सभी को नमस्कार। हाँ जी, तो आज पांचवा दिन है, थोड़ी शिविर में स्पीड कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप सब तक बात पहुंच रही है। तो बिना वक्त गंवाए कल दिन भर में क्या उपलब्धि हुई दो मिनट में लिखना। बताइए। हाँ जी, माइक। पहले तो सभी को सुप्रभात। सर, आपने जो कल बताया उसमें से मुझे लगा कि मेरा स्वयं के प्रति विश्वास, यानी कि मेरे मन में भाव और विचारों की स्थिरता ही मेरी सच्ची उपयोगिता है। वो मुझे मिल जाए तो बाकी आवश्यकता तो ऐसे ही पूरी हो सकती है, और मेरी खुशी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं खुश रह सकती हूँ, वो मैं दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और आपने जैसे बताया कि हम सब ने सामान को ही पहचान के साथ जोड़ दिया है, इसीलिए हमारी सामान की आवश्यकता भी असीमित होती जा रही है। जैसे कि हमने शादी में आपने कल बताया था कि खाने को भी अब हम पहचान के साथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए वो उसकी आवश्यकता भी असीमित हो जाती है। पर क्षणिक सुख में मुझे नहीं लगता कि ऐसी हैसियत है कि वो कभी भी निरंतर बन सकता है, इसीलिए। और सामान से हमें कोई मिल सकता है क्षणिक सुख, पर अगर सारी, मैं सोचती हूँ कि अगर सारी दुनिया की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए तो भी वो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे जीने के लिए काम में आ सकती है। और हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है उसकी मैं खातरी दे सकती हूँ, क्योंकि हम सब में श्रम की क्षमता ज्यादा है। हम सब श्रम के लिए, क्योंकि हमारी आवश्यकता पूरी करनी ही है, इसीलिए हम श्रम तो कर सकते हैं। आवश्यकता से ज्यादा हमें श्रम की क्षमता है, इसीलिए मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है। और जैसे कि आपने बताया था कि पृथ्वी पर चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ, जीव, प्राण और ज्ञान। पदार्थ, जीव और प्राण, ये तीनों अवस्थाएं मिलकर, यानी कि सहयोग करके हम उसकी उपयोगिता करते हैं, पर हमें भी उसे कुछ देना है। पर उसका सही तरीका हमें मालूम नहीं था, जो अब उपलब्धि मिली है कि हम उसे महसूस कर सकते। और दूसरी बात कि मैंने ये भी महसूस किया, मैं यहाँ से घर पे जाके ट्यूशन चलाती हूँ, छोटे बच्चे को पढ़ाती हूँ। तो अभी अब तक एक ऐसा बच्चा है जो कभी होमवर्क लाता ही नहीं, कितना भी डांट लो मारू कभी लाता ही नहीं। तो परसों जब वो होमवर्क, उसका हर रोज का यही रहता है, मैं कितना भी डांट लो लाता ही नहीं। तो परसों जब आया तो उससे ये खड़ा हो गया, जब मैं कहती हूँ कितने बच्चे होमवर्क नहीं रहे तो वह खड़ा हो ही जाता है। तो वो खड़ा हो गया, मैंने उसे डांटा नहीं, मैंने समझाया, फिर कहा कल लेके आना, कुछ कहा नहीं। पर पता नहीं उसमें कैसे बदलाव आ गया, वो खुद कल मैंने एक बार भी नहीं कहा था, फिर भी वो पांच बार लेके लिख के आया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो वो खुद भी समझ गया, मुझे लगा कि मुझमें जो बदलाव आ रहा है वो सिर्फ मैं नहीं पर वो बच्चे भी महसूस कर रहे हैं। अगर बच्चे में इतनी समझ है तो बड़े में तो आ ही जाएगी, क्योंकि उस हमारी क्षमता तो उससे भी ज़्यादा होती है समझने की। और बच्चे ने भी महसूस किया, और एक बच्चे ने तो कह भी दिया कि दीदी हमें भी अपने साथ शिविर में ले चलो। मैंने कहा आप छोटे हो, जब बड़े हो जाएगी तो आपको भी पता चलेगा। उसने कहा कि दीदी हम देख रहे हैं, जब से आप शिविर में से आते हो तो आप खुश नजर आते हो, मैं खुश हूँ और वो भी समझ रहे हैं, वो भी खुश है। तो बड़े भी समझे कि ऐसे ही हमारा परिवार भी अभाव मुक्त हो सकता है। और एक बच्चे ने कहा कि मेरे तरफ से आपके सर को थैंक यू कह दिया। बताइए भाई, बड़े लोगों बताओ क्या हाल है, बच्चों को देख के कैसा लग रहा है? लगभग सब बच्चे ने कह दिया, उसके बाद भी मैं थोड़ी अपनी बात जोड़ दूं। एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, एक सेकंड बस, थोड़ा बैठ जाइए, दो मिनट बैठ जाइए। देखिए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है ना। अभी मेरा खुश रहना किसकी जिम्मेदारी है? वो मम्मी की जिम्मेदारी है, वो भाई की जिम्मेदारी है, पापा की जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है, देवी देवताओं की जिम्मेदारी है। तो एक बात महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमने अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे हम नहीं बैठे हैं, वो सीट खाली है और हम किसी दूसरे को उस पर बिठाते रहते हैं।
एक बात कल की चर्चा से निकल के आई और जो आपने ध्यान दिलाया कि मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है, इस काम को मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कोई मानव, ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई भगवान, ये काम मेरा ही है। तो इस पे हमारा ध्यान चला जाए कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरे भाव और विचार की जिम्मेदारी मेरी है ना, और उसमें जो सुख दुख है उसको भोगने वाला भी मैं ही। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपकी तरफ से आई, बाकी तो सब ठीक ही है। हाँ जी, 14 दिन में यह स्पष्ट हो गया कि सामान से सम्मान पाने की यह जो अनंत यात्रा है यह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि सीमित से असीमित की प्राप्ति असंभव है। आज से मेरा दृष्टिकोण सामान के प्रति सामान जैसा ही होगा, उसे जो भी सुविधा प्राप्त है उसी सुविधा समझकर ही उपयोग करूंगा, उसे सुख समझने की भूल नहीं करूंगा। देखिए, हर बच्चा जब माँ से आता है तो उसमें तो कोई दोष है नहीं। तो हम बड़े लोगों ने, जो हम अपने आप को माँ बाप मानते हैं, बड़ा मानते हैं, है ना, हम लोगों ने बच्चों की जिंदगी में इनको भ्रमित करने का काम पूरी मजबूती के साथ किया है। इनकी जिंदगी को दिशा देने के नाम पे हमने इनको भ्रमित करने का काम किया है, ये अपराध हम सब के साथ है। हाँ, ऐसा हमने कोई जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि हम उसी को ठीक मानते थे इसलिए ऐसा किया है। तो कम से कम हम बड़े लोगों की ये जिम्मेदारी, इसलिए मैं कहता हूँ, देखो बच्चों के साथ बहुत कम कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हम सबके साथ है, हम बड़े लोगों के साथ हैं, जैसी मान्यताओं के साथ हम जी रहे हैं। तो ये शिविर इस बात पे हमारा ध्यान दिलाता है, देखो यदि हम बड़े लोग विद्यार्थी हो गए तो ये तो विद्यार्थी हैं ही हैं, ये तो हो ही जाएंगे, तो किस तरह से हम बड़े लोग सही अर्थों में विद्यार्थी हो जाएं और सही अर्थों में ज़िंदगी के सामने शीश झुका सकें और सही अर्थों में आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो सकें, इससे कम में हमारी भी तृप्ति नहीं। जैसा आपका ध्यान गया, आपको शुभकामनाएं। हाँ जी, और हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी जो चार अवस्थाएं देखी, जो कुदरत की व्यवस्था है, पदार्थ अवस्था है, ज्ञान अवस्था, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है और अज्ञान अवस्था है, तो जो तीन अवस्था है, जीव, प्राण और पदार्थ, वो एक दूसरे को सहयोग करती है, सहयोग, और इसलिए पूरी सृष्टि लाखों सालों से चल रही है। अगर इसमें सहयोग नहीं होता तो कब से खत्म हो जाती है। ये भी एक सोचने की बात है कि हम पुस्तकों में या कभी ऐसा भी पढ़ते हैं कि प्रकृति में संघर्ष है जी। यदि संघर्ष होता तो सब कोई टिक नहीं पाता जी। लाखों साल से सब टिके हुए हैं, इसका मतलब संघर्ष नहीं है, पूरकता है। पूरकता है, एक दूसरे की पूरकता है। कोई जो अपना बलिदान, जैसे मांसाहारी पशु है तो शाकाहारी पशु अपना बलिदान देता है, उसको व्यवस्था को चलना। हाँ, वो एक व्यवस्था है। इस बात पे सोचें कि शेर बकरी को मार के, गाय को मार के, है ना, फिर अपराध बोध में नहीं जाता है कि मुझसे गाय मर गई, है ना, तो वहाँ इसको व्यवस्था कहा, प्रकृति में संतुलन के अर्थ। लेकिन मानव ऐसा नहीं कर सकता। और आगे जाके ये समझ में आया कि ये जो पूरी कायनात की गई, कुदरत ने जो बनाई है, और उसको भोगने के लिए मानव को भेजा, भोगने के लिए नहीं भेजा, उसको समझकर और सुंदर बनाने के लिए भेजा। तो पूरी जो व्यवस्था है इसमें मानव का रोल है, जो भूल गया है अतिरिक्त भोगवाद में। तो क्या क्लैरिटी बनी कि ये जो पूरी सुंदर व्यवस्था है और मानव में समझने की क्षमता है, मानव अपनी समझने की क्षमता से उस पूरी व्यवस्था को समझ पाता है तो उस व्यवस्था की सुंदरता को स्वयं में फील करता है, ये मानव की सुंदरता है। तो मानव की सुंदरता इस बात में है कि वो सुंदरता को महसूस कर सकता है। अभी हम सुंदरता को कुरूपता में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस मलिनता से, जिस गलत दृष्टि से हम सुंदरता को देखते हैं, या जिस, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि सुंदरता को देख पाना, सुंदरता का मतलब रूप की सुंदरता नहीं है, सुंदरता का मतलब फूल खिला हुआ है और आपको सुंदर लग रहा है और तोड़ के किसी के बाल में लगा दूं, ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता का मतलब किसी भी चीज को देखकर सृष्टि की व्यवस्था को समझने के लिए मैं आमादा हो जाऊं, आखिर ऐसा हो कैसे रहा। किसी भी चीज की ब्यूटी को देखकर इस बात पे ध्यान जाता है
देखो जितने पेड़ पौधे हैं उनमें पत्तियों का मतलब शेप का, साइज का, आकार का, सब तरह का एक संगीत महता है। आखिर ये इतनी संगीत महता हो कैसे रही है? तो प्रकृति की सारी सुंदरता हमको इस बात के लिए आह्वान करती है, देखो समझो ये कैसे हो रहा है। तो मैं उसको समझ पाता हूं तो ये मेरी सुंदरता है, दूसरों को उस समझ को कम्युनिकेट कर पाता हूं ये मेरी सुंदरता का प्रमाण है। तो मानव इस धरती पे भोगने के लिए नहीं है, पशु योनि भोगने के लिए है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये पशु योनि में जमता है, ये पशु योनि की बात है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन मानव की बात नहीं है, क्योंकि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है। तो जब तक इस पूरी सृष्टि को वो समझेगा नहीं उसको तृप्ति नहीं होगी, और जब तक उस तृप्ति को बांटेगा नहीं उसकी तृप्ति का प्रमाण नहीं होगा। तो ये व्यवस्था समझ के मुझे मोरे मेरे होने का एहसास हुआ कि मेरा होना क्यों है, और मैं जो कर रहा हूँ प्राकृतिक कृषि की जो बात कर रहा हूँ उसको अलावा कैसे वो कर रहा हूँ, तो मुझे अब समझ में आया कि जो प्रकृति की व्यवस्था मानव जिस तरीके से तोड़ रहा है वो जोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे और संतोष मिल रहा है। बढ़िया। देखिए पहले चरण में हमको इस बात पे ध्यान जाएगा कि गैप्स कहाँ पे हैं, गलती कहाँ पे हो रही है, एड्रेस कैसे गलत हुआ। एड्रेस कैसे गलत हुआ? प्यास लगी तो पानी का तेल पिया कि घी पिया? पानी पिया। भूख लगी तो खाना खाया कि ईंटा खाया? खाना खाया। अब सम्मान की तलाश थी तो उसमें भाव डालूं कि सामान डालूं? ऐसा तो नहीं किया। मुझको सम्मान की आवश्यकता है, मेरी पहचान की तलाश है, तलाश गलत नहीं है, लेकिन उसको पूरा करने की हमारी समझ नहीं, प्यास को पूरा करने की समझ हमारी बन गई। देखो ये जो खाना के जो जिंदा रहने वाला काम भी है ये भी एक दिन में नहीं हुआ। कैसे आदमी ने जंगल युग में पहचाना होगा कि ये दाल खाने लायक है, धतूरा खाने लायक नहीं है, कौन सी चीज औषधि है, कौन सी चीज शरीर के लिए है, कौन सी चीज कितनी उपयोगी है, कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में खाने की है, मसाले कम मात्रा में खाने के हैं, ये आदमी ने कितने समय में तय किया होगा? इसको भी लंबा समय लगा होगा, कई लोग मर गए होंगे उल्टा सीधी चीजें खा खा के। तो ऑब्जर्वेशन से लगातार देखते देखते हजारों साल में हम खाने के बारे, कपड़े के बारे, मकान के बारे एक अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं। तो जो कुछ भी अभी हमारे पास जिंदा रहने के अर्थ में भी उपलब्धि के रूप में है, इसमें भी कई सौ साल, हजारों साल लगे हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है गलत नहीं है, एक क्रमिक यात्रा है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में बढ़ते बढ़ते जिंदा रहने की एक संतुष्टि पाने की जगह में आने के बाद हम ये पा रहे हैं कि जिंदगी का खालीपन शेष है। अब हमको ये पहचान में आ रहा है कि यदि मेरे अंदर सम्मान और पहचान की तलाश है, सम्मान और पहचान भाव है कि वस्तु है? सम्मान और पहचान भाव है कि वस्तु है? भाव है। उसकी पूर्ति भाव से होगी कि वस्तु से होगी? भाव से होगी। हमको सम्मान की तलाश थी तो हमने कार खड़ी कर दी, ये मानसिक दिवालियापन है। और पूरी आने वाली पीढ़ी को उसी रेस में धकेल दिया। इससे हमारा मनोबल कम होता है, इससे हमारे भीतर का खोखलापन बढ़ता है। बाहर मैं दिखा रहा हूं देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, अंदर से आपको एहसास होता है कि मैं कितना छोटा आदमी हूं। ये जो हमारे भीतर गैप है, दिखने और होने के बीच में जो दूरी है, इसका नाम फ्रस्ट्रेशन है, इसका नाम निराशा है, इसका नाम असंतुष्टि है। मैं जैसा हूं वैसा प्रस्तुत हूं, इसमें बहुत आराम है। मैं जैसा हूं वैसा प्रस्तुत हूं तो मेरे को यह ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि कब मैंने किससे क्या बोल रहा है उसको मैं याद रखूं। तो ट्रांसपेरेंट होना, पारदर्शी होना बहुत आराम का काम है। चाहता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं, करता कुछ और हूं, होता कुछ और है, ये परेशानी वाला काम है। तो जैसे जैसे हमको सच्चाई समझ में आएगी, है ना, मुझको भाव और विचार की स्थिरता की तलाश है, मुझको सुख की तलाश है, भाव और विचार की स्थिरता की तलाश है, तो मैंने उसमें आइसक्रीम डाल दिया, खाखरा फाफरा ढोकला डाल दिया। आज क्या था वो?
आज क्या था, गाठिया, गाठिया डाल दिया। अब गाठिया डालने से भाव और विचार की स्थिरता आएगी, गाठिया डालने से भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति होगी। ये दो अलग चीजें हैं। तो जैसे जैसे हमारी ये क्लैरिटी बन जाएगी कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम आता ही नहीं है, धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती, छू नहीं सकती, ये प्रकृति का नियम है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो जिसकी जरूरत है, गाड़ी में पेट्रोल डालने से चलेगा कि देसी गाय का घी डाल देंगे, पेट्रोल डालने से चलेगा। तो जो जिसकी आवश्यकता है उसको पहचान के वही डालने से वो चीज चलेगी। हम उसमें कुछ अपनी मर्जी से कुछ करेंगे, मर्जी नहीं चलती है, प्रकृति का नियम चलने, उसको नियम को समझने से उसके साथ चलना बनेगा। तो इस पर हमारा ध्यान चला जाएगा, ये अपने भीतर स्थिर हो जाएगा। अभी जल्दी स्थिर नहीं होगा, अभी यहाँ सुनने से ठीक लगता है, घर जाओगे तो फिर वैसे ही कुछ होने लगेगा, है ना। लेकिन इसके लिए आगे प्रक्रिया है कि आगे हम इस पूरी बात को अध्ययन करेंगे। इसमें 12-13 बुक्स हैं। शिविर केवल इतना ही है कि इसका, इस बात से हमारा परिचय हो जाए, परिचय होके हमको लगता है कि ये बात ठीक है, पूरा समझना है, तो फिर आगे उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आपकी इच्छा होगी, आपकी आवश्यकता होगी, तो आगे सोचेंगे। हाँ जी, और माइक, माइक दीजिए। हाँ जी, बड़े लोग कुछ बोलना चाहें। हाँ, आपके पास माइक है, बोलिए। मेरा नाम शैलेश पटेल है, मैं गांधीनगर से आ रहा हूँ। मुझे शीतल, मेरा फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। जब इनवाइट किया तब उन्होंने मुझे एक लिंक दी थी उससे पहले कि आप ये देखना। तो कोरोना का वक्त था तो उस टाइम मैंने वो देखा, तो उसके अंदर मुझे एक बात टच कर गई कि सृष्टि के अंदर जो भी मानव है वो अपने सुख के लिए जीता है, वो किसी को दुख देना नहीं चाहता है, लेकिन वो सुख तलाश करता है, लेकिन वो सुख उसके लिए वो सुख है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ आया, बाकी तो इतना ट्रैवलिंग मैं कभी नहीं करता हूँ। तो दूसरा, यहाँ आने से बाद, उससे पहले कितनी जगह पे मैंने मेरे सवाल को ढूंढना प्रयत्न किया, बहुत सारे संप्रदाय, जैसे खाली मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाती ब्रह्मा कुमारी है, राधा भगवान है, स्वामीनारायण है, राधा स्वामी है, ये सब कुछ है। वहाँ से जो भी ज्ञान मिलता है वो एक ही तरह का है, कुछ भी अलग नहीं है, वो सब लोग एक ही बात बताते हैं। लेकिन आज तक मेरे अंदर जो लड़ाई चल रही थी वो ये थी कि जो मैं करता हूँ वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ आया तो मुझे ये मिला कि नहीं, मैं कितने अंश तक तो सही था, लेकिन जहाँ सही नहीं था वहाँ मुझे खुद समझ में यहाँ आया। और 4 दिन मैंने शिविर में जो कुछ सुना वो मेरे लिए कुछ अलग नहीं था, लेकिन कल मेरा कुछ गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ में कुछ ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन गड़बड़ यही हुई कि इतने साल तक मैंने जो भी किया, जो भी मैंने सम्मान मुझे लोगों ने कुछ दिया, जो भी मैंने साधन सामग्री जो भी मैंने बसाई, वो सब कुछ मेरे जीने में तो काम आने वाली है नहीं, तो ये सब कुछ मैंने क्या किया, तो इसकी बदल से मैं कल डिस्टर्ब हो गया। तो रात का सोचता रहा, शाम रात को वैसे गया, चलो आज पूरा जिंदा हो जाते हैं, तो खाना खाने के लिए बाहर चले गए। तो बाहर जाने के बाद जैसे खाने के लिए गए तो सूप का ऑर्डर दिया, तो सूप का ऑर्डर दिया तब पता चला कि भी करके नहीं सोचना है, समझ के करना है। तो पता चला कि भी चलो कोई बात नहीं, ये ध्यान में तो आता है कि चलो आज से कोई भी काम करेंगे तो पहले ये सब कुछ सोच के ही करेंगे, पहले सोचते हैं फिर करेंगे,
लेकिन आज तक जो भी किया है, जो भी मिला है, जो भी टोटल मैं करके ही समझा हूँ, बाकी समझ के कुछ भी मैंने नहीं किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक दूसरा मुझे अच्छा मिला जी। बढ़िया, थैंक यू। देखिए दो बातें ध्यान देने लायक। एक बात ये कि जब भी हम महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते हैं, जब भी हम महापुरुषों की कोई जीवनियां या सफल लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से हमारे भीतर भी सफल होने का, ऊंचाइयों को छूने का एक उत्साह आता है। यहां तक ठीक है, लेकिन मेरी परिस्थितियों में मेरी चेतना के साथ मैं कैसे उड़ान भरूं, ये गैप बना ही रहता है। ये बात पहुंचे, है ना? तो महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से हमारे भीतर भी ऊंचाइयां छूने का उत्साह बनता है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं जहां खड़ा हूं, जिन परिस्थितियों के साथ हूं, इन परिस्थितियों में मेरे लिए ऊंचाइयों का मतलब क्या है? वे गांधी जी ने देश को आजाद कराया, अब तो देश आजाद है, और जिस मानसिकता से गुलाम है वो कल भी था, वो आज भी है। उससे मुक्ति का तो कोई रास्ता मुझको समझ में आता है नहीं, क्योंकि मैं ही अपनी मानसिकता में गुलाम होता हूं। फिर हमको लगता है पैसे लेके के कुछ अच्छा काम हो जाएगा, पैसे से कोई अच्छा काम हो नहीं पाता है, बिल्डिंग बन सकती है। अच्छा काम जो होने की बात है वो मानसिकता में कुछ अच्छा होने से कुछ अच्छा, उस बिल्डिंग का दुरुपयोग भी हो सकता है, बिल्डिंग का सदुपयोग भी हो सकता है, वो तो मानसिकता से होता है। तो एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है कि मेरी परिस्थितियों में मेरी चेतना और जिसको मैं ऊंचाइयों को छूना बोलता हूं उसका क्या मतलब है। संसार मुझको जानने लगे ये ऊंचाइयों को छूना है, बहुत पैसा आ जाए ये ऊंचाइयों को छूना है, इसका मतलब ऊंचाइयों को छूने का मतलब है, ऊंचाइयों को छूने का मतलब है, इसको बहुत कोर में पकड़ लीजिए। इस देश में आज 10 लाख लोग आपके फॉलोअर हो जाएं, ये बहुत आसान काम है। 10 करोड़ लोग आपके फॉलोअर हो जाएं, वो भी हो सकते हैं, पॉपुलेशन पर्याप्त है। एक छत के नीचे शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अपनों के साथ में जी पाना, अपने में जी पाना, है ना? इसके लिए हमको बिल्कुल भी ना किसी धन की, अलग से किसी धन की आवश्यकता है। तो ये अपने में जीना आ जाए, जीने की जो खुशी है, उसके बाद ये सारी पैकिंग खत्म हो जाती है कि लोग मेरा सम्मान करेंगे कि मैं स्वयं में सम्मानित होता हूं, है ना? तो मैं स्वयं में सम्मानित हो जाऊं, इसके लिए मुझको किसी दूसरे की जरूरत उस तरह से नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी की जर्नी एकदम अलग है, और जैसा हम जीने की कोशिश कर रहे हैं वो रास्ता दुखी होने की तरफ जाता है, कोई आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसा रिजल्ट आएगा। रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर रिजर्वेशन करता है, दूसरा सॉफ्टवेयर वही, जिस काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वही काम करेगा। तो एक क्लैरिटी तो हमारी ये बनी कि महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से हमारा ऊंचाइयों को छूने का उत्साह आता है, पर ऊंचाइयां किसको बोलते हैं, क्योंकि उस महापुरुष ने अपनी परिस्थितियों में जो किया वो मुझको नहीं करना। राम भगवान वो रावण सीता को ले गया, हमारी पत्नी तो घर में है, पहले किसी को बुलाऊं कि तुम लेके जाओ फिर मैं छुड़ाने आता हूं, ये तो नहीं होगा। तो घटनाएं सबकी जिंदगी में अलग अलग हैं, एक बात ये होगी। लेकिन अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जिया जाए, ये सबके लिए वांछनीय है, आवश्यक है, संभव है, और यही करना है। नंबर एक, दो मिस हो गया, चलो। नमस्ते, मेरा नाम किंजल है, मैं 11वीं कक्षा में कॉमर्स करती हूँ। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने खुशी को कैसे पहचाना। और मेरी खुशी मुझ में है, यदि मैं चाहूँ तो खुश, मैं चाहूँ तो खुश रहूँ। मैं सब जब सुबह उठती हूँ तब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, उसमें पहला दुखी रहना और दूसरा सुखी रहना। उसमें मैं सुखी रहना पसंद करती हूँ, खुश रहना पसंद करती हूँ, तब मैं हमेशा पूरा दिन खुश रहती हूँ। यदि मैं रो भी लूँ तो भी मुझे कोई उदास नहीं कर सकता, मैं अपने आप से खुश हूँ। मैंने मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को समझ लिया है कि मैं मुझे खुश रहना है,
हम सुख और खुशी में पाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन आज मुझे कमजोर कंफर्म हो गया कि हमारी खुशी हम में है, वो हमारे अंदर है, किसी और के हाथ में नहीं कि मुझे खुश करे, वो खुद मेरे हाथ में है, मेरी सुंदरता मेरी खुशी है। जब ये मैंने फूलों में भी देखा है कि वो केवल सुबह आता है और रात को चला जाता है, फिर भी वो कितना खुश रहता है और कितना खुश रहता है, रात को चला जाता है, ये बात वो भी जानता है, और फिर भी अपनी छोटी सी आयु में भी कितनी सुगंध कितनी खुशबू फैला के जाता है, फिर भी हंसते हंसते जाता है। यह सब मुझे इस नेचर की गहराई को देखने से पता चला, जो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। बस आपकी बात में इतना ही जोड़ना है कि मेरे चाहने से खुश नहीं हो जाऊंगा। सुबह उठ के आज मैंने चाहा कि आज मैं खुश रहूंगा, ये संभव नहीं है। जब तक उस खुश होने की योग्यता मेरी ना आ जाए, मैं कल से सोचूं कि मैं कल से फ्रेंच बोलूंगा, ये ऐसा नहीं हो जाएगा। जब तक वो फ्रेंच में सीखूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं बोल सकता। तो मैं ये तो हमारे भी पास में चाहत है कि हाँ मैं सुखी होना चाहता। अब तक मुझको लगता था कि ये दूसरों पे निर्भर है, भाग्य है, प्रारब्ध है ना, अपना घर के लोग कैसे हैं, उनका नेचर कैसा, अभी तक हमको लगता था कि दूसरों पे निर्भर है। ये एक शिफ्ट आया है कि मेरे समझने से मैं सुखी होता हूँ, और हम सभी समझ सकते हैं, उस पर किसी का कॉपी राइट नहीं है। बढ़िया। और हाँ जी, नमस्कार भैया, मैं यहीं पढ़ाई करती हूँ। मेरा ये सब मुझे समझ आया, सब कुछ मैं जितना समझ सकती हूँ उतना समझ आया, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग गरीब है, उन्हें तो जिंदा रहना ही सब लगता है, और वो मुझे भी अब तक यही लगता था। तो जिंदा रहने के लिए वो कमाता है, पर उसी में इतना व्यस्त हो जाता है कमाने के लिए, तो उसे जिंदा रहने क्या है वही पता नहीं। हाँ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप में से कितने लोगों को ये भरोसा होने लगा है कि सोम भाई जैसे समझाते हैं ऐसे हम भी समझ के समझा सकते हैं? कितने लोगों को ये भरोसा है? देखो कितने सारे हाथ। ठीक है, अब तुम लोग तो गांव में रहते हो, जब वो अपना काम करके फ्री हो जाए शाम को 2 घंटे रोज, आप उन घरों में जाओ, 10 लोगों को इकट्ठा करो, उनसे बात करो, सब समझेंगे, है ना? मुझे नहीं लगता। ओ, तुमको अभी समझ में आया नहीं, इसलिए नहीं लगता। देखो, मैं भी जब यहाँ आया था और मेरे को ये बताया गया कि 11, 12 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे भी रहेंगे और उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो मेरे मन में भी ये शंका थी कि एक तो हिंदी, ऊपर से दर्शन, है ना, वो कितना ले पाएंगे, उनकी कितनी तैयारी है। ऐसे बच्चों को किसी भी कॉलेज में बिठा दिया जाता है, कोई भी इस तरह के लेक्चर होते रहते हैं, तो मेरे मन में भी शंका थी, लेकिन मेरी शंका आपके साथ बात करके दूर हो गई। ऐसी आपके मन में शंका है, जाओगे तो दूर हो जाएगी। कदम बढ़ाओ, जो भी मुश्किलें आएंगी ठीक। हर आदमी ये तो समझ में आ गया ना, सुखी होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, उसको भरोसा हो जाएगी तुम सुखी हो, तुम समझा सकते, क्यों नहीं समझेगा? समझेंगे, अपनी योग्यता का सवाल। हाँ जी, उसी दिन आपकी समझ का प्रमाण माना जाएगा जिस दिन आपके माध्यम से आपके गांव में आपकी एज ग्रुप और आपके एज ग्रुप के कम लोगों के बीच में आपकी स्वीकार्यता बनेगी कि आपसे कोई बात समझ सकते हैं। जैसे उस बेटी ने कहा, यदि आपके व्यवहार में आपकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आता है तो सामने वालों को दिखता है और वो स्वीकार्य है। सच्चाई को आदमी स्वीकार सके ये उसकी हैसियत के बाहर है। हाँ, कौन कितना चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है, तो अपनी तैयारी करो। एक बात और बोलना चाहता था, जैसे आप लोग पढ़ते हो, अब क्यों जीना है और कैसे जीना है, पढ़ाई कहाँ आती है, उसकी कोई जगह है कि नहीं है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसकी कहाँ जगह है, कोई जगह है कि नहीं है? उसको पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो? क्यों जीना है, कैसे जीना है, मेरी ग्रेजुएशन कहाँ आती है, क्यों जीना में आती है कि कैसे जीना में आती है? कैसे जीना में आती है? तो अब जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, अभी तक क्यों पढ़ रहे थे? जॉब पाने के लिए। अब क्यों पढ़ेंगे?
जीने के लिए। जीने के लिए क्यों जीना है इसका नाम समझ है, और उसको कैसे जमीन पे उतारना है इसका नाम कौशल है। तो हमारे पास कौशल भी हो और हमारे पास समझ भी हो तो हमारी पढ़ाई भी अब जोर अच्छी हो जाएगी और आराम से हो जाएगी। हाँ जी, मेरा नाम जामू सकुम, मैं कल जो मुझे लगा कि मैंने उतारना जैसा है वो समझी। मानव की आवश्यकता सिर्फ दो तरह की चीजों में है, पहला तो भौतिक जो शरीर के लिए जो जिंदा रहने के काम आती है, और दूसरा भाव जो जीना में आता है। हमें जीना है, मुझे जीना है, इसलिए मुझे भौतिक सुविधा की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए जो सुविधाएं हमारे पास है पर्याप्त है, और उसमें हम खुश से भावपूर्वक जी सकती हूँ। व्यवस्था का स्वरूप जो नीचे से ऊपर तरफ जाता है उसका एक ही सूत्र है, जीना, जीने दो और जियो। और कल मैं खुश थी क्योंकि मुझे अब तक यही लगा था कि मैं जितनी खुश होती हूँ बाद में उतनी रोती हूँ, इसलिए मैं जब खुश होती हूँ तो अचानक मुझे याद आ जाता मैं इतनी रोऊंगी भी। तो मैं कल ये दुख के बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई, और मैं मेरे भाई दोनों भाई बहन के साथ भी रह बात अचानक हम हंसते हैं तो मैं सुख करा देती हूँ कि बस अब नहीं हंसना है क्योंकि इतना रोना भी पड़ेगा। मैं पर फिर कहती भी हूँ कि मैंने अनुभव करके ये सब तुमको कह रही हो, वो मुझे मैं ये बात उसको भी मना ली, पर कल पता चला कि ऐसा नहीं है, खुश हमारे होने से ही होता है जो हम चाह खुशी मतलब ऐसा नहीं होता कि खुश के बाद दुख हो ही होता है। मैंने बस यही कितने कब से बैठा था मन में पता नहीं, पर यही लगा था मैं जितनी खुश होती हूँ बाद में इतनी दुखी भी होती हूँ, तो खुश में थोड़े का संकोच होता है कि अब मुझे खुश नहीं होना है, पर अब मैं खुशी से अब मैं कितने लोगों के साथ ऐसी मान्यता है। अरे मेरे साथ भी बचपन में ऐसा था, मुझको भी मेरा याद है, मैं हंसते हंसते डर के मारे चुप हो जाता था क्योंकि हमने सुना था जितना हंसोगे उतना रोग, ठीक। और इस सेंटेंस को अब समझना होगा कि ये कहां सही है कहां गलत है। जिंदा रहने के धरातल पर ये सही है। भाई हमको मान लीजिए मसाले वाला खाना खाके अच्छा लगता है, अब वो मसाले वाला खाना खाके अच्छा तो लगा, जितना अच्छा लगा उतना फिर वो पेट खराब करेगा तो रोगे। हमको चुगली करने में मजा आता, जितना चुगली किया उस समय अच्छा लग रहा है, वो बाद में जिसके लिए चुगली किया था उसको पता चल गया तो ब्याज सहित लौटाएगा, ठीक। तो जिंदा रहने के धरातल पर हमारा जो सुखी होने का तरीका है उसकी प्रतिक्रिया वापस आती है, इसलिए जितना हंसोगे उतना रोओगे गलत नहीं है जिंदा रहने के धरातल पर शरीर के साथ सुखी होने के काम। जैसे जिन लोगों ने शरीर का बहुत उपभोग किया जवानी में और शरीर 40-50 में ही जवाब दे गया, अब उसके बाद रोने का ही टाइम है, तो इंद्रियों से खुश होने का मतलब है इंद्रियों से बहुत सुखी सुख की तलाश में जो कुछ भी हम करते हैं शरीर उसमें वापस प्रतिक्रिया देता है, और रूप बल धन पद से जो भी हम खुश होते हैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, किसी को वो बुरा लग रहा होता है कि आप अपने आप को बड़ा बता रहे होते हो उसको छोटा बता रहे होते हो, और कोई दिन वो बड़ा हो जाता है फिर वो लौट के आपको बताता है। तो जिंदा रहने के धरातल पर या तो इंद्रियों की प्रतिक्रिया आएगी या लोगों की प्रतिक्रिया आएगी, इसका मतलब है जितना हंसोगे उतना रोओगे गलत नहीं है जिंदा रहने के धरातल पर। जीने के धरातल पर मेरा भाव और विचार सही हो जाए और हमेशा के लिए सही हो जाए तो हमेशा सुखी, और मेरा भाव और विचार ठीक हो गया तो इंद्रियों के साथ मैं कैसा जीऊंगा, संतुलित होके जीऊंगा कि असंतुलित होके जीऊंगा। संतुलित जीऊंगा तो उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, और यदि मेरा भाव और विचार ठीक है तो दूसरे मानव के साथ मैं कैसा जीऊंगा, सम्मान के साथ जीऊंगा कि उसको अपने आप से छोटा बताऊंगा। जिंदा रहने के धरातल पर दूसरों से आगे बढ़ जाऊं इसमें सुखी होता हूं, जीने के धरातल पर दूसरों को आगे बढ़ा दूं इसमें सुखी होता हूं, ठीक। तो इसका अर्थ यह हुआ तो दूसरों का फिर मेरे को प्यार मिलेगा कि प्रतिक्रिया मिलेगी, प्यार मिलेगा, इसलिए
जीने के धरातल पर जितना हंसोगे, जितना खुश होगे, उतना जमाना आपके साथ खुश होएगा, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो बहुत सारी बातें जो हम कह रहे थे उसका मतलब भी हमको ठीक से समझ में नहीं आता था। अब जीना और जिंदा रहने की जितनी क्लैरिटी हमारी हो जाएगी तो जो कुछ आज तक हम मानते थे वो भी समझ में आएगा, और वो क्यों ऐसा मान रहे थे वो भी क्लैरिटी के साथ आएगा, और कैसे जीने का रास्ता निकलेगा उस पर भी हमारी पकड़ बन जाएगी। बहुत बढ़िया, इन सारी बातों को आप अपने में विश्लेषित कर पा रहे हो, आप अपने भीतर ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो कि ये मान्यता मेरे अंदर थी जिसकी वजह से मैं दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, और अब ये ठीक हो गई। इसका मतलब है आपको अपना सॉफ्टवेयर ठीक करना आ रहा है, ये खुशी की बात है। बहुत बड़ी, गुड गुड। जिंदगी मुश्किल नहीं है। अब ये एक करेक्शन कर दिया, अब ये आराम का काम हो गया, है ना। आप कल्पना करें कि साल भर में कितना काम हो जाएगा। तो साल भर में जो समस्याएं अभी आपकी हैं उनमें से तो कुछ बचेगा नहीं, बहुत आराम का काम हो जाएगा, जिंदगी बहुत आराम की चीज हो जाएगी। और बोलिए। हाँ जी, माइक। हाँ बोलो बोलो। मेरा नाम डॉक्टर आरती है, मैं यहीं पढ़ाई करती हूँ। इन तीन दिनों में मैंने गोष्ठी में भी कल बताया था, खड़ी नहीं हो सकती, मैंने गोष्ठी में भी कल बताया था कि मेरे साथ ही तीन दिनों में क्या हुआ। मैं घर पे जा रही थी, यहाँ से बस के उतर के घर पे जा रही थी, मैं दीदी कुछ खा रही थी, मैंने कहा कि वो खा रही थी, उम्र देख कर जल्दी से मुँह में डाल दिया। मैंने कहा क्यों, धीरे से खाओ, मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने मुझे हंस के जवाब दिया, उसके मेरे साथ इतना हंसा, थोड़ा सा हंसा, और मैंने भी उसके साथ हंसा। फिर से मैं पापा के पास गई, मैंने इसकी थोड़ी सी बात की कि मेरे स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने पापा को अगले दिन कहा था कि मेरे लिए तीन नोट लाना, तो पापा ने कहा कि ओके। तो मैंने उसके दूसरे दिन पूछा कि पापा मेरे लिए नोट लाए, उसने कहा नहीं। नोट मतलब नोटबुक। मैंने कहा, इसने कहा नहीं, उसने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल लेकर लाना। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पापा हंस रहे थे। फिर मैं मम्मी के पास गई, तो मम्मी ने कहा कि वो लाओ वो लाओ, मैंने सुना नहीं कि उसने क्या कहा। फिर मैंने उसको दूसरी बार पूछा, मम्मा कहाँ कहा, तो उसने कहा कि वो लाओ, सुनती नहीं हो कितनी बार कहा थे। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं सुना, उसको मुझे हंस के जवाब दिया, मैंने नहीं सुना, ये लो। तो वो भी हंस रही थी। फिर हम जब इकट्ठा जमने के लिए इकट्ठा हुए, तब एक दूसरे को बात शेयर कर रहे थे कि वो आज मैंने उसमें इतना चेंज देखा। पापा ने कहा मैंने भी देखा, दीदी ने कहा मैंने भी देखा, वो सब ने मेरे में चेंज देखा, पर मैं समझ में नहीं आती कि मुझे ये चेंज क्यों आया। मुझे सुख की अनुभूति हुई, पर वो चेंज आया मेरे में उसकी अनुभूति नहीं हुई। उसको मैं वंदना दीदी ने भी बताया था कि होगी, पर वो अभी तक नहीं हुई। सुख की अनुभूति हुई, पर वो चेंज की अनुभूति अभी तक नहीं हुई। देखो सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा। दुखी आदमी सुखी आदमी सुख बांटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें उसका कोई लक्ष्य नहीं। तो घर में काम करने वाला आदमी अपने काम से दुखी है, उसको नहीं पता कि वो क्यों रोटी बनाता है, क्यों दिन भर घर में मेहनत करता है, और उसने मान रखा है कि दूसरों ने मान रखा है कि भाई तुमको ऐसा करना है, और उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं है कि तुम दिन भर इतना काम करती हो, घर के बाकी लोग मिलके ये महसूस कर सकें और उसको कह सकें कि तुम इतना काम करती हो, उसके लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो काम करने वाले को अपनी जिंदगी का लक्ष्य पता नहीं है, वो क्यों काम कर रहा है उसको पता नहीं है। शुरू में करना अच्छा लगता है, बाद में वो बोझ बन जाता है, पर फिर भी करना पड़ता है, मन अंदर से दुखी रहता है, और जो करता है उसमें चार गलतियां होती ही हैं। लोग गलतियों के ऊपर सुना देते हैं, जो किया उसको कोई अच्छा कहता नहीं, इस तरह से वो दुखी है। अब आपको पढ़ना पड़ता है, आपका पढ़ने का मन नहीं है, फिर घर के भी काम करने पड़ते हैं आपको भी, टीवी देख के लगता है दुनिया तो कहीं और है, हम कहीं और हैं, तो आपका मन भी दुखी है। पापा जो काम धंधा करते हैं उसमें उनकी भी 100 परेशानियां हैं, उनसे भी चार लोग आगे निकल गए हैं, उनके मन में भी बहुत कुछ और चलता रहता है, बहुत सारे दबाव हैं, वो भी दुखी है।
अब सबका गुस्सा कहां निकलेगा? बाहर किसी को कुछ बोल दोगे उल्टा सीधा, दोबारा जिंदगी भर आपसे बात नहीं करेगा। तो इसलिए सबका गुस्सा, गुस्सा कहीं और का है, फ्रस्ट्रेशन कहीं और की है, और निकलती है घर में एक दूसरे के ऊपर। तो लगभग घरों का माहौल ऐसा रहता है, मैंने कुछ कहा और सामने वाले ने कुछ सुना दिया, फिर मैंने लौट के सुना दिया, उसने तीसरे को सुना दिया, तीसरे ने वापस उसको सुना दिया, और लगभग लगभग ये फायरिंग घर में होती रहती, कहीं कम कहीं ज्यादा ये फायरिंग होती रहती। अब आपको एक खुशी मिली है, खुशी मिली है का मतलब है कि मैं अपने आप को समझ सकता हूं, मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूं। इसमें ना पैसे की भूमिका है, ना दूसरे की भूमिका है ना, ये अपने आप में मैं जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं जीना चाहता हूं, और मेरे भीतर अच्छाइयां हैं, मैं ठीक ठाक आदमी हूं। तो अपने ठीक ठाक होने पे भरोसा कर पाना, अपनी है ना ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने भीतर आशा का जगना। तो क्या परिवर्तन हुआ आप में तीन दिन में? तीन दिन में हमने पहचाना कि हम सभी मानव सुख पाना चाहते हैं, निरंतर पाना चाहते हैं, और ये संभव है, आशा जगी है। अभी जीने की योग्यता आ गई है कि जीने के प्रति आशा जगी है? अभी जीने की योग्यता आ गई है कि जीने के प्रति आशा जगी है? समझ में नहीं आ रहा है, आशा जगी है कि योग्यता आ गई है? आशा जगी है, अभी योग्यता नहीं आई है, लेकिन आशा जगी है, उससे भी इतनी खुशी लगती है। फिर आपको दूसरे ने कुछ कहा उस पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप अंदर से खुश हो, जो है वो ही बांटोगे। दूसरे ने कुछ प्रतिक्रिया भी कर दी, आप हंस के रह जाते हो, आप अंदर से खुश हो। तो जब आप भीतर से खुश होते हो, अपने भाव और विचार में अच्छी स्थिति में होते हो, तो सामने वाले की गलती को पचा लेते हो। और जब आप पहले से ही दुखी होते हो, तो बिना गलती के भी दूसरे को चिल्ला देते हो, बढ़िया है ना। तो इस तरह से हमारे घरों का माहौल, सही अर्थों में घर एक विद्यालय है, घर आचरण का विद्यालय है, घर जिंदगी का विद्यालय है, घर से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है। अभी हमारा घर एक होटल है, जहां खाने पीने और सोने का जुगाड़ है, और पैसा आएगा तो क्या करेंगे, होटल और अच्छा हो जाएगा। अभी ढाबा है, कल होटल हो जाएगा, और पैसा आएगा तो क्या करेंगे, एसी लगा लेंगे। तो हमारा घर ढाबे से है ना 2-स्टार होटल, 3-स्टार होटल, लास्ट में 5-स्टार होटल, इतनी हमारी हैसियत है। मानसिकता वही रहेगी, और हो सकता है उससे भी खराब हो जाए। तो अब यह बात समझ में आती है कि जिंदगी कैसे बसा लें। अभी घर सामान्य भी है और मन अच्छा हो गया और घर भी हमारा ठीक होगा, ठीक होने का मापदंड क्या है? ठीक घर किसको बोलेंगे? तो किसी का हमने देख लिया है, अब उससे अच्छा होना है, इसका नाम ठीक है। जब समझ होगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार इतना ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो कल भी जो हमने बात की, बोर्ड पे भी लिखा था मैंने पहले दिन, हमारी ये योग्यता विकसित हो जाए कि दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाए, ऐसी योग्यता हमारी विकसित हो जाए, तो हम मानसिक रूप से जो मानसिक गुलामी है उससे मुक्त हो पाएंगे। घर कितने सुंदर बनाए और मन कितने खराब बनाए, क्या दोनों में से क्या ठीक है? दोनों में से एक ही ठीक होना है, तो घर ठीक हो जाए कि मन ज्यादा ठीक हो? घर सामान्य रहेगा चलेगा, उसमें भी आप खुश रह सकते हो। घर संगमरमर का भी हो गया और आप मरमर के जी रहे हो, ये स्वीकार नहीं है। फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन चीज कैसी रहनी चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया, और बोलो। हाँ बेटा, हाँ जी, नमस्कार सर, मेरा नाम जयेश मंझारिया है सर। सर मैं जब छोटा था तब गांव में रहता था,
और गांव के ज्यादातर लोग तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि खुश ही है, क्योंकि जैसे सौराष्ट्र के जो गांव है उसमें आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको व्यक्ति में भाव दिखेगा ही, वो उसके पास कुछ नहीं होगा तो भी वो आपको खाना खाने के लिए फोर्स करेंगे, मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। तो सर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके पास साइकिल है तो भी वो अपने अंदर से तो खुश ही है, उसके उसको दूसरे के प्रति कॉम्पिटिशन मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि वो उसके पास जो है उसमें वो खुश रहता है। तो मेरा सवाल ये है सर कि क्या वो सही में जी रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, यदि जी रहा होता तो दूसरों से प्रभावित होके गांव छोड़ के शहर भागता और ये सारे काम तोड़ नहीं होते। इसका मतलब है थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे गांव में सबके घर एक जैसे होते हैं, कम ज़्यादा, तो वहाँ ये होड़ नहीं है कि उसका घर मेरे से बेहतर हो गया है। लगभग सबके पास साइकिल या टू व्हीलर है, सब लोग एक ही तरह की आर्थिक स्थितियों के। अब गांव में भी किसी का घर एकदम से पलट के बहुत अच्छा हो जाए और उसके घर में गाड़ी आ जाए तो दूसरों को दिखाई देगा कि नहीं देगा? और ये गलत नहीं है। मानव में प्रवृत्ति है किसी अच्छाई को देखकर फिर वो भी उसके जैसा होना चाहता है। अभी अच्छाई का कोई सार्वभौम मापदंड तो हमको मिला नहीं, अभी सुविधाओं में अच्छा होने को हमने अच्छा कहा। तो लगभग स्थिति ये बनी, देखो पुरानी फिल्में आपको तो याद नहीं होंगी, पुरानी सारी फिल्में ग्रामीण जीवन शैली पे दिखाई देती थी, अभी की सारी फिल्में 5-स्टार जीवन शैली पे दिखाई देती है। ठीक हो गया? तो फिल्में देख के शहरों में किसी के यहाँ आने जाना करने से हमारे मन में कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन एक ही जगह होता है, क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पर हमारे लिए जो आगे बढ़ने का मतलब है वो साइकिल से टू व्हीलर, टू व्हीलर से कार और कार से बड़ी कार, सामान्य घर से अच्छा घर, उससे और अच्छा घर, 5-स्टार घर। तो अभी हमारी कल्पना इतनी ही दौड़ती है। सारा फॉरेन जाने के लिए हम क्यों इतने आमादा हैं कि वहां जल्दी पैसा हाथ में आ जाएगा? तो कुल मिला के यदि मानव जाति को 99.9 को या 99% को कोई चीज समझ में आई तो वो पैसा है, और पैसे से जीवन शैली है, और उससे कुल मिला के भोग है। तो इसका मतलब ये था कि सौराष्ट्र के गांव में हम पहले किसी अच्छी आस्थाओं के साथ जी रहे थे, हमारी आस्थाएं अच्छी थी, दूसरे की सेवा करना और अपने गांव में श्रम करना, उतना ही हमने देखा था। जब कंपैरिजन करने के लिए दूसरा मॉडल सामने आ गया तो उस मॉडल के सामने हम टिक नहीं पाए। इसका ये तो मतलब है कि हमारे पास समझ नहीं थी, मान्यता थी, आस्था थी, लेकिन फिर भी हम किसी अच्छी स्थिति में थे। तो अपनी अच्छाइयों को जो मानने के आधार पर थी, उनको जब हम इस तरह के किसी शिविर में आते हैं तो हम अपनी अच्छाई को पहचान पाते हैं, यार हम तो पहले से भी ठीक ठाक थे। लेकिन वो जो ठीक ठाक थे उसको हम ठीक ठाक नहीं मान रहे थे, क्योंकि दूसरे उसको ठीक ठाक नहीं मान रहे थे। अब क्या आधार मिल गया? अब एक यूनिवर्सल मापदंड मिला कि नहीं, हमारी ये जो कुछ हम जी रहे थे जीवन में, श्रम, जीवन में तीन ही चीजें हैं, श्रम, सेवा और ज्ञान। जिंदगी का तीन कॉम्बिनेशन है, श्रम, सेवा, ज्ञान। तो हमारी जीवन शैली ठीक है। फिर यदि अपने में विश्वास आएगा तो दूसरों से कंपेयर करके हम अपने आप को प्रभावित नहीं होने देंगे, और फिर यदि हमको लगेगा कि हमारा घर और ठीक होने की जरूरत है, सुविधा और होने की जरूरत है, तो अपने गांव में या अपने आसपास क्या किया जाए कि हमारी इनकम बढ़े, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जीवन शैली में जो कुछ अच्छा है उसको हम एप्रिशिएट कर पाए। अभी आप खुश क्यों होते हो? 3 दिन में 4 दिन में हमारे भीतर जो पहले से अच्छा था, जिसको लोग अच्छा कहें तो हम अच्छा मानते थे, वो अच्छा ना कहें तो फिर हमको कन्फ्यूजन होता है, उसका आधार मिलने लगा कि हाँ, आप कोई अच्छा कहे बुरा कहे मुझको पता ही, ये तो सही है। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझको लगता है कि सौराष्ट्र में बहुत ताकत इस सेंस में है, क्योंकि हमारी पूरी ग्रामीण जीवन शैली में श्रम है, सेवा है, ज्ञान भाग मान्यताओं के रूप में है, आस्थाओं के रूप में है। ज्ञान भाग यदि जीने के स्वरूप में आ जाएगा, हम बहुत सारी चीजों को सजा पाएंगे और अपने गाँवों को और सुंदर बेहतर बना पाएंगे। अभी ना गांव जीने के लायक है ना शहर जीने के लायक है, धीरे धीरे गांव भी जीने के लायक बने और शहर भी जीने के लायक बने। बढ़िया,
और कुछ? नमस्ते सर, मेरा नाम त्रिवेदी मोली है। मैं FIPA में पढ़ाई करती हूँ। मैं बचपन से यही सोचती आती थी कि मैं खराब परिस्थिति हो ना, तब मेरा विश्वास मुझ पर से उठ जाता था। और ये चार दिन में मुझे पता चला कि हमारी कोई भी खराब परिस्थिति आए उससे हमें डरते नहीं हो और खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। उस परिस्थिति को ही झुक जाए कि जब हमारे खुद पर विश्वास होगा तब। बहुत बड़ी। गुड मॉर्निंग सर, मंथन जानी फ्रॉम भावनगर। ये सारा आपने जो डिस्कशन किया इतने दिनों में, तो मतलब बात तो वहीं पे रुक के आ रही है कि अप्रूवल का खेल है। अप्रूवल का खेल है। दूसरा मेरे को एक लाइन बस बोलता हूँ, दो ही चीजें हैं, स्वप्रभावीकरण या परप्रभावीकरण। यदि स्वप्रभावीकरण है तो परप्रभावीकरण नहीं है, पर मतलब दूसरा, और यदि परप्रभावीकरण है इसका मतलब स्वप्रभावीकरण नहीं है। तो स्वमूल्यांकन आ जाए, स्वमूल्यांकन का मतलब है कि स्वयं अपने आप को मूल्यांकित करने का तरीका आ जाए, तो मैं दूसरों के टिप्पणियों से, दूसरों के प्रभाव से मुक्त हो जाऊं और मेरी जर्नी को कर पाऊं। अभी मैं मेरी जर्नी नहीं कर रहा हूं, कोई पोस्टर चिपक गया, इतने पोस्टर चिपक गए हैं कि मेरी असली शक्ल कहीं खो गई। तो हर व्यक्ति की जर्नी अपने आप में यूनिक है। वो अपनी जर्नी जब भी करेगा उसमें सफलता ही पाएगा, क्योंकि वो नेचुरल है। जब मैं दूसरे की जर्नी करता हूं तो सफल होके भी असफल हो जाता हूं। अपनी जर्नी को पहचानने की जरूरत है। जी सॉरी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो नेगेटिव कंपैरिजन से मुक्ति मिल जाए, और पॉजिटिव कंपैरिजन तो होता ही, अच्छाइयों को देख के हम अच्छा करने के लिए प्रेरित होते ही। हाँ जी, और कुछ? हाँ बेटा। पहले जब पैसे की खोज नहीं हुई थी तब हमारे रूरल डेवलपमेंट में इतना कुछ नहीं था, तब लोग मिलजुल के रह रहे थे और आदान प्रदान की प्रक्रिया चल रही थी। लोग मिल बांट के खा रहे थे, जी रहे थे। तब क्या वो सही मायने में जीना जी रहे थे? हाँ, जी रहे थे, और अच्छा ठीक जी रहे थे, लेकिन मान्यताओं में जी रहे थे। समझ के नहीं जी रहे थे, मान के जी रहे थे। यदि समझ के जी रहे होते तो अपनी उस जीवन शैली से इतने प्रभावित होके सब छोड़ छोड़ के भाग नहीं जाते। देखो, यहाँ के गाँव का मुझको पता नहीं है, नॉर्थ इंडिया का, दिल्ली के आसपास का 100-200-300 किलोमीटर का इलाके में, गांव में वो लोग बचे हैं जिनको शहर जाने का रास्ता नहीं मिला। गांव में वो लोग बचे, तो गांव में रिजेक्टेड लॉट बचा है, और जो अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, हम ही नर्क में बचे हैं, बाकी सब चले गए, वो अपने आप को नर्क में मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को ये समझना पड़ेगा। तो एक समय था मेरे ही बचपन का, जो मैंने गाँव अपना देखा है, वो गाँव काफ़ी अभी से काफ़ी ठीक था, सुविधाएं कम थी। गांव का, जैसे मैं गांव का लड़का हूं और गर्मी की छुट्टियों में हम गांव में आते थे, तो मेरे को ये फील होता था कि मैं पूरे गांव का लड़का हूं। किसी भी खेत से निकले और किसी ने भी गुजर गया, वो अपना काम रोकता था, हमारे पास आता था, दो बातें पूछता था, हालचाल पूछता था, सर पे हाथ से जाता था, तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे हम पूरे गाँव के बेटे। और दो महीने की छुट्टियों में हम इंतजार किया करते थे कि कब छुट्टी हो और कब गाँव जाएंगे। जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो गांव नहीं जाना चाहता, तो उसको लगता ना तो उसने गांव में वो प्यार देखा, और शहर में मच्छर नहीं है, गांव में मच्छर भी हैं, तो उसको वहां जाने का कोई बहुत मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों जाऊं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो पुराने गांव थे वो किसी आस्थावश की नहीं, अच्छाइयों के साथ जी रहे थे, कहा जा सकता है। सुविधा की कमी थी, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन वो आस्थाएं उनकी मानी हुई थी, वो उनकी अपनी समझ थी, ऐसा कहना मुश्किल है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी समझ की रोशनी में जो कुछ हमारे पास अच्छा था हम उसको एप्रिशिएट कर पाए, जो हमने नकलची बंदर के रूप में किया था उसको रिजेक्ट कर पाए और दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर पाए। जैसे मैं शहरों में शिविर करता हूं, तो शहरों में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लान बना रहे होते हैं कि अब जितना पैसा मेरा नौकरी का आएगा, PF का आएगा, इसका आएगा, तो मैं शहर में एक प्लॉट ले लूंगा।
शिविर करने के बाद वही सारे लोग सोचने लगते हैं कि इतने पैसे में यहाँ जितना बड़ा प्लॉट आएगा, जितना बड़ा मकान आएगा, इतने पैसे में तो मेरे गांव में जाके मैं लौट के कुछ करूंगा, और वहां तो घर पहले से ही है। तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि वापस अपने गांव लौट के हम कुछ अच्छा सोचें करें। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के आदमी की सुख की तलाश, यदि सुविधा में सुख की तलाश है तो फिर शहर ही दिखाई देता है, यदि जिंदगी में सुख की तलाश है तो वो जिंदगी जहाँ गांव थोड़ी सी अभी अच्छी स्थिति में है, गांव की अपनी परेशानियां हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारी समझ होगी तो मिलजुल के रास्ते निकाले जा सकते हैं। फिर शहर में रहें गांव में रहें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जहां रहें सार्थकता के साथ रहें, मीनिंगफुलनेस के साथ रहें, वो इम्पोर्टेंट है। बढ़िया, आ जाए बोलिए। एक छोटी शेयरिंग, ये गांव का आपने जो बोला, मेरा भी ऐसे ही गांव है, और 15 दिनों की छुट्टियों में जब मैं छोटा था तब पिताजी और माँ लेके जाते थे, और वैसे ही मैं एंजॉय करता था गांव जाना, और तब जो खेत खलियान होते थे बिल्कुल ओपन होते थे, और घर से हाथ दिखा जाते समय बहुत बुरा लगता था वापस शहर में आना, तो वहाँ से जब हाथ दिखाते थे तो कई दूर तक हाथ दिखाई चालू होता था और रहता ही था वैसे। पर आज वहाँ पे कंपाउंड्स बन गए हैं, और किसी के कंपाउंड में अगर हम चल के जाते हैं तो पहले तो वो देखते हैं अरे वो क्यों आया है, तो भाव की नज़र से अगर मैं उसको अभी ऑब्जर्व करता हूँ, स्वागत भाव नहीं रहा। हाँ, और कंपाउंड बनने से वो मेरा है, अगर वो भाव बन जाए और वो भय ही निकल जाए लोगों के मन से कि मेरे कंपाउंड में अगर वो आया है तो कुछ आनंद लेने के लिए आया है, कुछ लेने नहीं आया है, कुछ मेरे से ले जाना नहीं आया है, वो अगर आ जाए तो दुनिया के सारे कंपाउंड हट जाए। देखो, हम सभी लोग जिंदगी भर मेहनत कर करके अपने घरों में सिकुड़ गए हैं, है ना। अब शहर, पहले शहर और गांव में ज्यादा अंतर नहीं था, अभी जब आदमी शहर में इतना बड़ा मॉल देखता है, इतने सारा मल्टीप्लेक्स देखता है, इतनी सारी चीजें देखता है, और गाँव में आता है तो उसको बिल्कुल नहीं लगता कि मेरे को गाँव में रहना है। तो ये जो सुविधा को भोगने का और देख के जो दो दोनों के बीच के अंतर, पिछले 20 सालों में ये अंतर बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अब यदि एक ही आशा की किरण है कि हमारी समझ बढ़ती है तो हम उन चीज़ों से अप्रभावित रहते हुए अपनी ज़िंदगी में सार्थकता को कैसे जिएंगे, उसके लिए कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे, फिर हम मिलजुल के तय कर पाएंगे। बढ़िया, आगे चले और कुछ? बहुत बढ़िया। जितनी देखिए, मैं सोचता हूँ कि जितनी बातचीत आपसे हुई है, चार दिन में कंटेंट जितना जाता है वो कम गया है, है ना। वो आपको देखते हुए मैंने स्पीड थोड़ी कम रखी है ताकि आपको ऐसा मत लगे कि हाँ आपको भारी पड़ रहा है, और उसमें हम सफल भी हैं, बड़े लोगों का इसमें धन्यवाद, क्योंकि वो भी हमारे साथ सहयोग के लिए बने हुए हैं और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इसके लिए जो भी बड़े लोग बाहर से आए हैं उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ये संस्था जिस तरह की संस्था है और जिस मानसिकता के साथ में यहाँ काम हो रहा है और जिस तरह के बच्चों की हमने शेयरिंग, ये सब जिस तरह की शेयरिंग कर रहे हैं, उस तरह की क्वालिटी शेयरिंग शहर किसी शहर में भी किसी बहुत अच्छे ऑडियंस के साथ में करते हैं तो इससे ज़्यादा शेयरिंग नहीं आती है, बल्कि कहीं कहीं कम भी आती है। तो इस रूप में हमारा भी विश्वास बढ़ा है, और आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, जिस आर्थिक बैकग्राउंड से आते हो, वो भारत का, भारत में सब जगह ऐसा ही मिलेगा। इसलिए इससे हमारा भी विश्वास बढ़ता है कि हाँ सबके साथ ये बात हो सकती है और ये बात सबकी बात है। दर्शन ये कहता भी है कि धरती के सभी मानव जीवन रूप में समान हैं, धरती के सभी मानव जीवन रूप में समान हैं। जीवन रूप में समान है का दो मतलब है, एक तो सभी के पास सोचने समझने की सामर्थ्य असीम है, इसमें सभी मानव समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा, सभी की मूल चाहत सुख की निरंतरता है, इसमें कोई अंतर नहीं। इन दो बातों के आधार पर हम अपने को दुनिया के सभी मानव के बराबर पहचान सकते हैं कि हाँ सभी मानव समान है, कोई अंतर नहीं है, धर्म जाति पढ़ाई लिखाई, है ना। लेकिन हम अलग अलग भी हैं। कैसे अलग अलग हैं? तो उसमें तीन शब्द आते हैं, योग्यता पात्रता क्षमता। चलो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, जब ये बात छिड़ी है तो। तीन शब्द हैं, पात्रता,
योग्यता और क्षमता। तो एक चीज है जिसको मूल क्षमता कहा, मूल क्षमता सब में समान है, सोचने समझने की अनलिमिटेड है, वो सब में समान है। लेकिन इनको क्या बोला, पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया, ग्रहण क्रिया मतलब कितना आप ग्रहण कर पा रहे हो। जैसे मैं बोलने वाला तो एक आदमी हूं, लेकिन सभी लोग एक समान ग्रहण करेंगे, सब लोग अपनी पात्रता के अनुसार ग्रहण करेंगे, जितनी आपकी पात्रता होगी। पात्रता का मतलब है पात्र, बर्तन। तो जैसा आपका मानसिक बर्तन है, जितना आपका इस तरफ ध्यान गया है जिंदगी की तरफ, उतना आप ग्रहण करते हो। तो इसके मतलब ये हुआ कि पात्रता अनुसार समझने का काम होता है, आप कितना समझोगे जैसी आपकी पात्रता है। और पात्रता सबकी फिक्स है कि ये बदलती रहती है, बदलती है। जैसे पहले दिन जो आपकी पात्रता थी और आज जो आपकी पात्रता है, वो पहले दिन वाली है कि बदल गई है? बदल गई। पहले दिन से आपके सुनने का कॉन्फिडेंस, आपके सोचने का, आपके बोलने का, है ना, सबका बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि मानव एकमात्र इकाई है जिसमें पात्रता का विकास होता है। बकरी में पात्रता का विकास नहीं होता, शेर में नहीं होता, पेड़ में नहीं होता है। मानव एकमात्र इकाई है जिसमें पात्रता का विकास हो सकता है। और पात्रता का विकास कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, उसकी अंतिम सीमा क्या है? वो सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ को समझ सकता है, समय सीमा की बात नहीं, लेकिन सब समझ सकता है। तो पात्रता पूर्वक समझने का काम होता है। योग्यता का मतलब है, योग्यता का मतलब है अभिव्यक्ति क्रिया, अभिव्यक्ति क्रिया। अभिव्यक्ति क्रिया का मतलब समझाना, व्यक्त होना, व्यक्त होना। जैसे पहले दिन आप जैसे व्यक्त हो रहे हो, अभी आप जैसे व्यक्त हो रहे हो, उसमें अंतर है कि नहीं? बिल्कुल बदल गया है। तो इसका अर्थ है जो मैंने समझा है मैं उसको व्यक्त कर सकता हूं, दूसरे के समझने में सहयोगी हो सकता हूं, ये योग्यता है। और तीसरा, क्षमता का मतलब है वहन क्रिया, वहन क्रिया। वहन का मतलब वहन करना, गुजराती में क्या बोलते, वहनी। वहन क्रिया का मतलब जीना, जीना का मतलब शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त जीना। जैसे किसी ने एग्जाम्पल दिया कि उसने कुछ कहा, मैंने मुस्कुरा दिया, है ना, तो आपको हर परिस्थिति में आप सामान्य बने हुए हैं। वहन क्रिया, कितनी जिम्मेदारी को आप वहन कर सकते हैं, है ना, और आपके ऊपर दबाव नहीं आता है। तो कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी में रोने लगता है और कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। हाथ पैर उसके चार पांच होते हैं कि वही दो होते हैं? सभी मानव का साइज 5 से 6 फुट, वजन 60 से 80 किलो, आयु भी 70-80 प्लस माइनस। लेकिन एक मानव अपनी जिंदगी में 2 रोटी के लिए परेशान रहता है, एक हजारों लोगों को रोटी देने की सामर्थ्य रखता है। एक आदमी अपनी जिंदगी में दुखी रहता है, एक आदमी हजारों लोगों को खुशी देने की सामर्थ्य रखता है। तो सामर्थ्य किसका है, शरीर का है कि मन का है? तो ये मन का सामर्थ्य है, जीवन का सामर्थ्य है। शरीर का सामर्थ्य हम सबका सामान्य है, वो हम सबको पता है। तो योग्यता, पात्रता, क्षमता के रूप में हम सभी मानव अलग अलग हैं। क्या बोला, जीवन रूप में सभी मानव समान है। योग्यता, पात्रता, क्षमता के रूप में सभी मानव अलग अलग हैं। तो क्या समान है, क्या अलग है, और पात्रता कहां से आती है, लिख लीजिए जो लिखना है। इस पूरी चर्चा से लिख डालिए क्या समझ में आया।
क्या समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, लिख लीजिए। दो मिनट में करता हूं, लिख लिया, बोलू? हाँ, क्षमता वाला। क्षमता का मतलब है जीना, जीने का मतलब है, जीने का मतलब है मैं अपने में ही बैठा हूं और दुखी हो रहा हूं, कोई भूतकाल की पीड़ा याद आ गई, वर्तमान में विरोध है, भाई ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है, और ये टीचर भी ठीक नहीं है, और समाज भी ठीक नहीं है, हमारे लिए सारी परेशानी है कि मैं बैठे बैठे दुखी हो रहा हूँ, तो क्या हो, जीना हो रहा है कि झेलना हो रहा है? झेलना हो रहा है। फिर मैं व्यवहार करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, सामने वाला कुछ बोलता है, मैं दुखी हो जाता हूँ, तो मेरे को लगता है किसी से बात ही करना बेकार, तो मेरा आदमी के साथ जीने के लिए कॉन्फिडेंस कम पड़ता है। इसका मतलब मैं जी पा रहा हूँ कि झेल रहा हूँ, झेल रहा हूँ, है ना। कोई एक व्यक्ति है उसके साथ कोई टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार भी कर सकता है, वो उसको बचा लेता है और उससे प्रभावित नहीं होता है, और उसके व्यवहार को भी कैसे ठीक करेगा, धीरे धीरे उसके साथ भी काम करता है, ठीक हो जाता है। तो एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर परेशान होता है, एक व्यक्ति नेगेटिव व्यवहार से प्रभावित भी नहीं होता है और दूसरे को भी ठीक करने का, इसलिए समझदार मानव की परिभाषा है। दूसरों की गलतियों से प्रभावित ना होना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित ना होना और दूसरों की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना, ये समझदार आदमी की पहचान है। दूसरों की गलतियों से प्रभावित ना होना, एक पार्ट। दूसरा पार्ट, दूसरों की गलतियों को स्नेहपूर्वक ठीक करने की क्षमता रखना। ठीक कर देना नहीं बोल रहे हैं, ठीक करने की क्षमता रखना, और यदि वो चाहता है कि अपने आप को ठीक करना तो हम उसके लिए सहयोगी हो सकते हैं। तो दूसरों को हमको ठीक करना नहीं, वो ठीक होना चाहते हैं और हमारे पास योग्यता है तो हम मिलकर सहयोग करेंगे। बढ़िया, जीना समझ में आ गया। तो मेरा भाव और विचार निर्विरोध है, उसमें कोई मलिनता नहीं है। सुबह आप ही गाना गा रहे थे, पवित्रता आ जाए। मेरे भाव और विचार में पवित्रता है, क्योंकि जितनी मलिनता है, जो भी कुछ नेगेटिव है, वो मुझको ही परेशान करता है। तो मेरा भाव और विचार में पवित्र होना मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी जरूरत है ना, और मुझको ये पाना होगा। और दूसरों के लिए भी मेरा भाव और विचार शुद्ध हो, पवित्र हो, दूसरों की भी अपेक्षा ऐसी है, तो ऐसा होने से हमारा जीना होता। हमारा जीने से बोलना हमेशा ज्यादा होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बोलता है, जीता नहीं है, अरे बोलता तो अच्छा है, बोलने में भी गाली देता तो क्या करते। तो कोई भी चीज पहले बोलने में ही आएगी। सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है, समझाने के काम, समझा हुआ जीने के काम आता है। कोई समझना चाहता है उसको, उसके साथ भाई आप समझना चाहते हो तो आपसे शेयर कर देंगे। आप बोलोगे हमको नहीं समझना है, तो हमारी तो कोई ऐसी रोजगार नहीं है कि आपके कारण हमारा घर चल रहा है, ठीक है भाई, शुभकामनाएं। चाहे मेरे घर में है चाहे बाहर में है, तरीका एक ही रहेगा। मेरा बेटा बोलेगा अभी मेरा समझने का मन नहीं, तो क्या करना है, शुभकामनाएं जी, जब आवश्यकता होगी तब बताना। तो इसका अर्थ यह हुआ, क्या हुआ, जीने की क्लैरिटी हमारी हो जाए। जीने का मतलब है मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदाई है, दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होता। पहले ही कहा था क्या, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। तो धीरे धीरे ऐसा हमको याद आता रहेगा और हम अपने आप को संभालते रहेंगे, है ना। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, क्या इससे मुझ में योग्यता आ जाएगी? नहीं आएगी, लेकिन ध्यान चला जाएगा उस क्षण के लिए, अपने आप को संभाल पाओगे। योग्यता आ जाए इसके लिए कुछ और भी करना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, और बताओ।
हो गया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बड़े लोग कुछ कहना चाहते हो? कैसा चल रहा है बच्चों का, कैसा लग रहा है आपको? आपको नहीं पूछ रहा हूँ, बड़े लोग को पूछ रहा हूँ, उम्र में जो बड़े। हाँ जी, कोई टिप्पणी करना चाहें? बच्चों को देख के आपको कैसा लग रहा है? जब पहले दिन मैं आया था, हाँ, तो मुझे लगा कि मैं आके फंस गया हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि स्कूल का प्रोग्राम है ये। हालांकि जो मैसेज आया था उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि स्कूल के बच्चों के लिए, मैंने समझा सबके लिए है, मतलब एक कॉमन ग्रुप में जो होता है। मैंने आपका जो वीडियो पे देखा है यूट्यूब पे, बच्चों का बहुत कम देखा है, लगभग नहीं के बराबर देखा है। तो मेला आ तो गए भाई, चलो देखते हैं। लेकिन समझ में ये आया कि हमसे ज्यादा ग्रहणशील बच्चे हैं, क्योंकि जो उनका पात्र है उसमें इतना कचरा नहीं भरा जितना हमारे में भरा हुआ है। हम ऊपर तक कचरे से भरे हुए हैं, तो हमारे में अंदर आने में संभावना कम है, बच्चों में ज्यादा है। देखिए, सार्वजनिक रूप से इन बातों को शेयर कर पाना, स्वीकार पाना, कोई तो मंच ऐसा हो जहां दिल की बात कह सके। हमेशा दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों से प्रभावित होने की दुनिया चलती रहे। कल नाटा जी और हम घूम रहे थे शाम को, तो मैं नाटा जी से कह रहा था कि मैंने थोड़ा सा फोकस बच्चों की तरफ ज़्यादा रखा हुआ है, बड़े लोग थोड़ा सा ऐसा हो सकता है फील करें कि हमारे ऊपर फोकस कम है, पर मुझको लगता है कि उनकी उदारता अपने को मिल जाएगी, क्योंकि शायद जो कुछ हो रहा है हॉल में, घट रहा है, उस प्रक्रिया को देख के ये एहसास हम सबके भीतर आएगा कि ये जीवन रूप में सभी समान है। बहुत संभावना है एक बाप के बच्चे जीवन रूप में उसके पिता हों। ये बात पहुंचे? ज्ञान रूप में क्या यह संभव नहीं है कि एक पिता के जीने की मानसिकता की तुलना में उसके बच्चे की जीने की मानसिकता उससे ऊंची हो? यह संभव है कि नहीं? ये संभव है। तो जीवन रूप में जब हमको इस बात का ख्याल आ जाएगा कि जीवन रूप में सभी समान है, और उम्र में छोटा एक व्यक्ति हो सकता है मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, चेतना के रूप में वो मुझसे बहुत आगे की चीज हो सकता है, क्योंकि चेतना के रूप में देखने की अभी हमारी आंखें नहीं है, अभी हमारा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, है ना? तो हम तो ये देखते हैं कि इसको इंग्लिश आती है कि नहीं, अच्छा मेरे को आती है, अच्छा मैं इंजीनियर हूँ, ये अभी बनेगा, जो तुम 20 साल बाद बनोगे वो मैं आज हूँ। तो अभी हम भौतिक मापदंडों के आधार पर बच्चे के साथ अपना कंपेरिजन कर रहे हैं। चेतना के स्तर में ये हो सकता है कि पिता का पैसे को लेके बेहद लगाव है और बच्चे का पैसे को लेके कोई उतना मोह नहीं है। इसका मतलब है चेतना के रूप में हमारा बच्चा हमसे ऊंची स्थिति में है, क्योंकि पीछे की जर्नी का हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। तो ऐसा हमको स्वीकार हो जाएगा तो हम अपने बच्चों के साथ सम्मान से पेश आएंगे, उनको अपने से छोटा नहीं मानेंगे, उनके साथ बैठ के बराबर की बात करेंगे, हमारे भाव और भाषा में उनके प्रति सम्मान होगा। यदि ये सम्मान उनके प्रति व्यक्त होगा तो परिवार में हमको बराबर का भागीदार समझेंगे, बराबर का भागीदार समझेंगे तो वो भी जिम्मेदारी से जिएंगे। अभी हम बात बात में उनको बताते रहते हैं कि तुम गैर जिम्मेदार हो, फिर वो गैर जिम्मेदारी से व्यक्त होता है। यदि हर बार उसको ध्यान में आएगा कि तुम परिवार में बराबर के जिम्मेदार हो, तो वो भी बराबर का बहुत मुश्किल है किसी पे बहुत विश्वास किया जाए और वो आपके विश्वास को धोखा दे, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी पे विश्वास किया जाए और वो आपके विश्वास को धोखा दे, बहुत मुश्किल काम। नहीं नहीं यार, उसके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे पे विश्वास करता है, ऐसा हमारी बोलचाल में आता है। तो मुझको लगता है कि हम माँ बाप भी बच्चों को जीवन रूप में समान है, जीवन रूप में समान है, योग्यता पात्रता के रूप में मुझसे ऊंची चीज हो सकता है, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। कब पता चलता है? जब वो 20 साल का हो जाता है तब पता चलता है। और अधिकांश घरों में अभी स्थितियां कैसी हैं, गांव की बात मैं नहीं कहता, शहरों की स्थितियां ऐसी हैं कि लगभग लगभग माँ बाप को बच्चों के तर्क के सामने चुप हो जाना पड़ता है, क्योंकि वो ये महसूस कर पाते हैं कि बच्चों का तर्क हमसे बड़ा है और हमारे पास उत्तर अब नहीं है। ऐसी स्थितियां परिवारों में आती जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू।
आगे चले। चलिए, काफी सारी बात हो गई, बीच का पूरा साफ, डमरू छोड़ के बाकी सब साफ। डमरू छोड़ दीजिए, डमरू में भी ये बीज ये सब हटा दीजिए। बताइए और कोई शेयरिंग। हाँ जी, माइक पीछे, माइक। नमस्ते सर, अमित हिरानी फ्रॉम सूरत। सर पहले दिन जब आए तब ऐसा लगता था जैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा सुना था, थोड़े वीडियो देखे थे, पर ये जो मैं समझ पाने की कोशिश कर रहा था उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, किसी को समझना इतना मुश्किल है कि सब लोग ये नहीं समझ पाएंगे, इस सबकी ये समझने की पात्रता नहीं। और मुझे लगता था कि जो यहाँ पे आए हैं वो बहुत ही बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और उनको ये समझ में आने का उनका किसी और ने भी कुछ कितना कुछ देखा होगा लेकिन वो नहीं आए, और जो लोग आए हैं उसको कुछ इसमें देखा है इसलिए वो आए, तो थोड़े बुद्धिजीवी मुझे लगे। तो पहले दूसरे दिन ऐसा लगा कि बच्चों का उतना लेवल नहीं होगा कि ये सब चीज़ समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। लेकिन अभी तीन चार दिन हो गए, आज पांचवा दिन है, तो अभी लग रहा है सर कि ये बिल्कुल सिंपल साइंस है, बहुत इतना लॉजिक नहीं है, और जितना हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सर, हम अपने विचारों से और बहुत दूसरी चीज़ों से घिरे हुए हैं, बच्चे उतने क्लीन हैं हमारे कंपेयर में, तो वो अपने जीवन से बहुत जल्दी जुड़ पा रहे हैं, और हम गांधी जी बोध की बात करके बहुत थियोरिकल में जा रहे हैं, और बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं सर, तो उनके लिए एक बार तालियां बच्चों के लिए। और इतना मुझे नहीं लग रहा था कि जैसे सर ने बोला कि ये स्कूल का प्रोग्राम है, नहीं, ये इतना कॉमन और जनरल प्रोग्राम है कि कोई भी अगर इधर आ जाए तो बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। गुड। हाँ जी, लास्ट बोलिए बोलिए। हेलो सर, कभी कभी तो अभी सोचने में आ रहा है, तीन चार दिन में रोज सोचने में आता है कि जब आप जाते हैं यहाँ से 6 बजे शाम को, तो किस तरह बीच में रोक के आपको धन्यवाद बोले, कि जितना जिंदगी में परिवर्तन अंदर से महसूस किया है। अभी इन बच्चों को देख के ऐसा भी लगता है कि खास जब कॉलेज अभी ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही अगर पता चलता तो वो 3 साल कितना दम लगाते। अभी ये बच्चे 11वीं 12वीं में हैं, तो अभी तो जिम्मेदारियां थोड़ी सी आती है, तो उस बारे में भी सोचना आता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां नहीं थी, माँ बाप पैसे दे रहे थे और तब ये सब चीज पता चलती, आज जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था वो काम नहीं आता कुछ। और मैं अधिकतर सोचता रहता था कि भारत इनोवेशन के मामले में इतना पीछे है और कुछ इनोवेशन नहीं करता, और बोलते हैं साधु महात्माओं का देश है, तो अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन अब पता चला कि इतना तगड़ा इनोवेशन हम लोग कर पाए हैं। बहुत बढ़िया। उन लोगों ने भौतिक वस्तु में इनोवेशन किया, हमने चेतना जगत में इनोवेशन किया, और तो भारत में होने का गर्व महसूस हो रहा है, और एक मध्यम परिवार में पैदा होने का गर्व महसूस होता है। कोई दिन ऐसा भी आ सकता है हमारी बेटियां समझाने के लिए पूरे विश्व में जा रही, ऐसा भी तो हो सकता है। नाटा जी, सुरेश पटेल जी बैठे ही नहीं, विश्व लेवल के प्रोग्राम से कम आप बनाते ही नहीं। नाटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक दीजिए। जब मैं आया
तो मुझे भी लगा कि केवल बच्चों के साथ में प्रोग्राम होगा तो क्या इतना इफेक्टिव होगा, और ये जो चार दिनों के अंदर में जो देखा, और उसके अलावा जो और पूरा नानू भाई के साथ में, परिवार के साथ में, हालांकि मैं यहाँ पे 3-4 बार आया और काफ़ी संभावनाएं देखा, किंतु इस बार लग रहा है कि ये पूरा जो वालुकड़ के पास में ये इतनी बच्चियाँ जो करीब करीब है ना 100 गाँव में फैली हुई है, और प्लस उनके और पीछे की जो विद्यार्थी यहाँ से निकले हुए हैं वो भी हो सकता है करीब 10-20 हज़ार 30 हज़ार हो ना, पिछले 57 साल का 57 ईयर्स का इस संस्था का इतिहास है वहाँ से, और जिस प्रकार से नानू भाई ने उनको बच्चों को संभाला होगा है ना, ऐसा तो मेरे को लगता है कि उनका भी खूब लगाव इस संस्था के साथ में रहा होगा। तो एक बड़ी संख्या और है ना पूरी दुनिया घूमने के बाद में कहीं पे कोई मानवीय गांव मिला हो ऐसा नहीं हुआ। अब लग रहा है कि यहाँ पे एक साथ में इन बच्चों के माध्यम से जो है ना कल के होनहार नागरिक हैं है ना, बहुत जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, और इस समझ के साथ में तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही उज्जवल भविष्य है, न केवल सौराष्ट्र के लिए, न केवल गुजरात के लिए, न केवल भारत के लिए, किंतु पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पे एक अच्छे से जीने की हमने विकास के चरम बहुत सारे देशों में देखे हैं, किंतु वो जो मानवीय जीवन जहाँ पे सब है ना एक एक व्यक्ति ठीक से जी सके, एक पूरा का पूरा गांव बढ़िया से जीता हो, उतने प्रेम से जीता हो, यहाँ पे बहुत सारी ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हैं कि एक श्रम की स्वीकारिता है, अच्छे संबंध हैं, थोड़ा जो समझ वाला जो भाग है जो यहाँ से मिला है वो इतना मुश्किल नहीं है, है ना, हम पढ़ने के लिए इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और ये इतनी जो मूल चीज़ है वो इतनी आसान है, और कितनी बढ़िया से आराम से बच्चे जो देख पा रहे हैं, तो एक बड़ी संभावना दिख रही है। आप सब लोगों को खूब खूब बधाई, और मिलकर के मेरे को लग रहा है कि हम अंजाम देंगे, और हम चाहते हैं कि सोम भाई उसके लिए दो तीन महीने में बराबर आते रहे, क्यों फिर एक बार बोलो हाँ सही पक्का चलिए कल जितनी चर्चा हुई है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल ये चर्चा किया कि मानव है, जब मानव कहते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, और मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक आवश्यकता भौतिक है, दूसरी आवश्यकता भाव है। जब भौतिक आवश्यकता की बात करते हैं तो हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, जब भाव की बात करते हैं तो स्वयं के प्रति विश्वास, सम्मान, पहचान, प्रेम, इसकी बात करते हैं। तो अभी हमको ये करना है, दो एग्जांपल पहले सबके बीच में देते हैं फिर आप करोगे, ये दोनों भौतिक और भाव में क्या अंतर है, भौतिक और भाव में क्या अंतर है, कौन बोलेगा माइक, भौतिक और भाव में क्या अंतर है, भौतिक वस्तु और भाव में क्या अंतर है, भौतिक यानी कि जो शरीर के लिए है यानी कि जिंदा रहने के काम में आता है, और भाव यानी कि जीने के लिए जो काम में आता है। गुड, और बोले तो और क्या अंतर है, बोलो बोलो। भौतिक यानी कि हम सम्मान पाना चाहते हैं, फिर हम रोटी कपड़ा और मकान से सम्मान पाना चाहते हैं। अभी अभी अपन कोई नेगेटिव चर्चा नहीं कर रहे, जो प्रकृति में है केवल उसके अंतर को पहचान रहे हैं।
फिर से बोल देता हूँ, अभी हम ये कर रहे हैं कि भौतिक वस्तु नेचर में है, भाव भी नेचर में है, लेकिन दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग अलग। तो उसमें क्या अंतर है? भाव मन से आता है, अंदर से फीलिंग है, और भौतिक हम बाहर ही है। बाहर। चलो, और क्या अंतर है? भाव को मैं भौतिक सुख को महसूस करने के लिए इंद्रियों की जरूरत है। भौतिक सुख को महसूस करने के लिए इंद्रियों की जरूरत है, जबकि भाव के लिए वो जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ रही? जैसे किसी के प्रति हमको विश्वास है तो सूंघ के पता चलता है विश्वास, छू के पता चलता है विश्वास, देख के पता चलता है विश्वास है, चख के पता चलता है विश्वास है। तो विश्वास हमको इंद्रियों से पकड़ में आता है कि डायरेक्ट पकड़ में आता है? तो विश्वास हमको, तो भौतिक सुख इंद्रियों से पकड़ में आता है, विश्वास और भाव की दुनिया, सारे भाव मन सीधा पहचानता है, डायरेक्ट पहचानता है। और क्या अंतर है? भौतिक वस्तुएं दिखती हैं, भौतिक वस्तुएं दिखती, खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जो भी जो कुछ सामान आसपास दिखता है फिजिकल मटेरियल, भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, और भाव, भाव दिखते नहीं है लेकिन महसूस किया जाता है, उसको पैदा कर, भाव को महसूस कर सकते, ठीक है, इसको हम खरीद सकते हैं। और एक आ जाए फिर आप करोगे। हाँ जी, भौतिक हमारी शारीरिक जरूरत है और भाव हमारी मानसिक जरूरत है। वो तो आ गया सुनो, और बोलो। भौतिक है वो फिक्स है कि इंद्रियों से हम जो सुख मिल भोगते हैं वो फिक्स ही होता है, भाव अनलिमिटेड। भौतिक वस्तुएं अपने आप में सीमित हैं, लेकिन ये असीम है। गुड, और बोलो आगे माइक दो इनको। हाँ जी, सभी मानव की असमान आवश्यकता है, भौतिक मान है, भाव मान, सभी मानव की समान आवश्यकता है। हाँ, देखो कितना बढ़िया बोला। भौतिक वस्तुएं की आवश्यकता सबके लिए अलग अलग है। कोई दो रोटी खाएगा, कोई चार रोटी खाएगा, किसी को मिर्ची कम चाहिए, मिर्ची ज्यादा चाहिए, किसी को ठंड कम लगता है, किसी को ठंड ज्यादा लगता है, लेकिन इधर की आवश्यकता विश्वास सम्मान सबको समान रूप से चाहिए। अब मेरे को लगता है काफी क्लैरिटी बन गई। लिख डालिए अपनी अपनी कॉपी में, स्वनिरीक्षण पूर्वक अपनी कॉपी में आप खुद लिखें कितने तरीके से भाव और भौतिक आवश्यकता में कितने अंतर आप लिख पाते हैं। खूब ध्यान दीजिए, भौतिक और भाव दोनों अलग अलग वास्तविकता है। कैसे दोनों अलग अलग है, दोनों में क्या अंतर है? लिख लीजिए अभी, जिसके 10 हो जाए बताइए। ताकत बढ़ेगी उतनी आपकी समझने की ताकत बढ़ेगी। जब भी ऐसा प्रस्ताव मिलता है कि स्वनिरीक्षण पूर्वक अपने में देख के अपने को लिखता है, उसमें पूरी ताकत लगाएं। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप बाद में भी करते रहें। बहुत सुनते थे सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं को देखना, स्वयं को देखो समझो। ये वक्त आया कि हाँ, स्वयं को कैसे देखें? के ऊपर, गुड, 5 के ऊपर तो काफी हो गए। चलिए 10 वाले बोलना शुरू करें।
બેન બોલવા ઊભી થઈ તે પહેલા એનું નામ બોલે પછી બોલે. બોલને. હા સબસે પહેલા તો આપને લિખા ખરીદ સકતે હૈ. તો સબસે પહેલા કે હમ ખરીદ સકતે ઓર ઇધર ખરીદ નહીં સકતે ઓર દૂસરા સીમિત હૈ. દૂસરા સીમિત હૈ. સીમિત હૈ. અસીમ હૈ. તીસરા તુલનાત્મક હૈ. તુલનાત્મક દોનોં મેં ભી હો સકતા હૈ. જૈસે બચ્ચે કો લગતા હૈ કે માં ઉસકો જ્યાદા પ્યાર કરતી હૈ, મેરે કો કમ પ્યાર કરતી હૈ. કિતને લોગ કો એસા લગતા હૈ? મે દેખો સબ માં કે મારે હુએ. અસ્થિર હૈ. અસ્થિર કી બજાય કહે સકતે હૈ કે યે પરિવર્તનશીલ હૈ. પરિવર્તનશીલ હૈ. ઇસી કો બોલતે હૈ નાશવાન. યહાં યે શાશ્વત હૈ. અસુરક્ષિત હૈ. હૈ અસુરક્ષિત હૈ. વો હમારી આપકી પ્રોબ્લેમ હૈ. નેચર મેં એસા નહીં. ઉત્તેજના પ્રદાન કરતા હૈ. ઉસકો જ્યાદા અચ્છા યે કહે સકતે હૈ ઇસસે મિલને વાલા સુખ ઇસમે ક્ષણિક સુખ હૈ. इसलिए उत्तेजना. इसमें निरंतर सुख. मालकियत का भाव पैदा करता है. मालकियत का भाव है. वो सब हमारे आपके प्रॉब्लम. नेचुरल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो फिर अहंकार भी उसी में आ जाएगा. हाँ चार निकले. क्षणिक दस बोल के चार निकले जी. चलो कोई बात. और दस वाला कौन है? हाँ. मेरा नाम रोमी है. भौतिक आवश्यकता समय के साथ बदलती है. रुको रुको धीरे धीरे. ये समय के साथ बदलती है तो इसको बोला समय के साथ बदलती है का मतलब है ये सबके लिए अलग अलग है. ये सबके लिए एक है. भौतिक आवश्यकता को खरीदना पड़ता है और भाव की आवश्यकता दूसरों से मिलती है. आगे जी. भौतिक आवश्यकता दूसरों को दिखाई देती है और भाव की आवश्यकता हमारे अस्तित्व में ही है. भाव दिखाई नहीं देता. प्यार दिखाई देता है पर वो मन की स्थिति है ना. अच्छा. भौतिक आवश्यकता से दूसरों को अच्छा लगता है और भाव की आवश्यकता में खुद में ही ऐसा लगता है कि नहीं तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता आपके भाव से. भौतिक आवश्यकता पूरी हो जाने से भी शिकायत रहती है और हम भाव की आवश्यकता में शिकायत मुक्त रहते. भौतिक आवश्यकता पूरा होने से पूरी हो जाने से भी शिकायत रहती है. हाँ क्योंकि वो क्षणिक सुख. भौतिक सभी की भिन्न भिन्न है और भाव की एक ही है. अलग अलग. दस बोला दो निकला. कोई बात. गुड. और बोलिए दस वाला और कौन है? ऑलमोस्ट तो आ गए हैं इसके अंदर लेकिन एक दो जो इसमें ज्वाइन. एक तो भौतिक वस्तु में निरुत्तर है उसमें कोई उत्तर नहीं मिलता और भाव आने से हमको अपने जीवन मिलना शुरू है. थोड़ा माइक पास में रखें. भौतिक वस्तु में निरुत्तर है. निरुत्तर करते. हाँ ये कहाँ से आ गया? निरुत्तर कैसे करते? मतलब जब संतोष नहीं मिलता है तो वो निरुत्तर हो जाता है. मतलब ऐसे हमको बाद में आगे वो स्टॉप है क्षणिक हुए. वो हमारी आपकी परेशानी है. नेचुरल डिफरेंस पूछ रहे हैं. प्राकृतिक रूप से अलग अलग है उसको पूछ रहे हैं. भौतिक वस्तुएं जो है वो भाव ले सकते. भौतिक वस्तु है भाव ले सकते. उसमें से कोई भाव नहीं है. सेंस नहीं मिलता है उसको. सेंस दिखता नहीं है उसको. भाव ले सकते. और भाव अगर भाव में अगर भाव आ जाए तो भौतिकता का आनंद दिया जा सकता. भाव आ जाए तो भौतिकता का आनंद बगैर वो हमारी आपकी स्थितियां हैं. नेचुरल डिफरेंस पूछ रहे हैं दोनों नेचुरली कैसे अलग अलग.
भौतिक वस्तुओं के उपयोग से कभी कभी हमको ग्लानी उत्पन्न हो जाती है उससे लंबे समय। ये सब हमारी मनन स्थिति है, नेचुरल डिफरेंस नहीं। बाकी दूसरे जो बोल गए बढ़िया, और कोई? हाँ जी नमस्कार। हाँ तो जो बोला है वो सब है, पर उसमें एक त्रुटि है, मतलब खा लेंगे तो बस कर देंगे, लेकिन उसमें क्षणिक सुख है, उसमें निरंतर सुख है। और भाव भाव और प्रेम का हमको मिलना चाहिए। हम दूसरे दिन भाई बता सकते हैं भाई एक दिन और रुक जाइए, मतलब के प्रेम और भाव का में अब त्रुटि है, प्रेम और भाव में अतृप्ति नहीं चाहिए। तो इसमें क्षणिक सुख है वो निरंतर सुख है, इसलिए वो जो आप कह रहे हैं ऐसा है। हाँ और बोलिए। हेलो। हाँ जी, इसमें बोर्ड में बोर्ड आपको दिख रहा है? हाँ जी, अच्छा कोई बात। हेलो। हाँ, जो बोर्ड पे लिखा है उसके अलावा बताइए। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मनीष सूरत से बोल रहा हूँ जी। इसमें एक दो चीज में जोड़ सकते? हाँ, पहली ये है कि भौतिक जरूरियात हमारी समझ से अभाव, समझ के अभाव से बढ़ती है, और अगर हमारे में समझ आ जाती है तो हमारी भावनात्मक जरूरियात में बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप ठीक बोल रहे हैं, पर ये हमारी मन स्थितियाँ हैं। हाँ, हम नेचुरल डिफरेंस पूछ रहे हैं। समझ से खत्म हो जाती है, सीमित हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, दूसरी बात कि अगर भौतिक जरूरियात में क्या होता है, एक चीज मिल गई तो उस दूसरी बार उससे बड़ी चीज पाने की इच्छा होती है, मतलब ये हमारी मनस्थिति है, ये नेचुरल डिफरेंस नहीं है। जैसे ये नेचुरल डिफरेंस है कि होने के रूप में भौतिक आवश्यकता सीमित है, ये परिवर्तनशील है, इससे मिलने वाला सुख क्षणिक है, ये अलग अलग है सबके लिए, ये यूनिवर्सल है। आप जो बोल रहे हैं वो किसी एक की मनस्थिति है, दूसरे की ऐसी नहीं होगी। तो नेचुरल डिफरेंस पूछ रहे। नेचुरल डिफरेंस में हाँ एक चीज और है, शायद मेरे हिसाब से सही है। हाँ, वो डिपेंड करती है जगह के हिसाब से। जैसे गांव का आदमी है तो एक अलग है, शहर के आदमी की अलग है, और अलग डिफरेंस देश में जाएंगे तो वहाँ की जरूरियात अलग है। वो बहुत ही वो इसमें आ गया, सबके लिए अलग अलग है। और मानसिक जरूरियात जो कहीं भी जाएंगे वो यूनिवर्सल है। आपकी बात को मैं और दोनों तरीके से लिख दूं, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सामयिक है। सामयिक का मतलब समय अनुसार है। रात को सोने के कपड़े अलग हैं, दिन के कपड़े अलग हैं, ठंडी के अलग हैं, गर्मी के अलग हैं, बचपन के अलग हैं, बुढ़ापे के, समय अनुसार है। ये हमेशा एक जैसा है। हाँ, और हाँ जी माइक पकड़िए माइक। सर क्वेश्चन है। जो हम जो भी बात करते हैं वो माध्यम बना क्या कह सकते हैं उसको, कि भाव भी तो आप माध्यम कह सकते हैं और साधन भी एक माध्यम है। ये इसको ये कह सकते हैं कि ये शरीर और ये साधन है और ये साध्य है। तो सर जो साधन है और साध्य है तो मोक्ष के लिए भाव काम आ सकता है? भाव की निरंतरता ही मोक्ष मोक्ष है। हाँ जी, वो जो प्रकृति पे श्रम करके प्राप्त होता है। हाँ गुड, ये जो है ये प्रकृति के साथ श्रम पूर्वक उपलब्ध होता है। ये अस्तित्व में समझ पूर्वक उपलब्ध होता है। हेलो। हाँ सर, मेरा भी यही था कि श्रम करना पड़ता है और भाव को प्रयत्न के बिना हम पा सकते हैं। अच्छा सर, प्रयत्न के बिना पा सकते? दोनों के लिए प्रयत्न है, दोनों के लिए प्रयत्न का स्वरूप अलग है। एक प्रकृति के साथ श्रम पूर्वक हमको उपलब्ध होता है, दूसरा अस्तित्व में समझ पूर्वक अभी जो कर रहे हैं ये प्रयत्न है कि नहीं।
अभी प्रयत्न है सर, लेकिन समझ जाने के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, समझ आने के बाद ऑटोमेटिक बना रहता है, जैसे प्राणियों में है ऑटोमेटिक। हाँ, समझ आने के बाद। और दूसरी बात मुझे ये लगती है सर कि अधिक होने से उब सकते हैं भौतिक, और भाव में ऐसा है कि अधिक भी नहीं कम भी नहीं और पूर्ण है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, मेरा नाम हिमिशा है। भौतिक चीज हम दूसरों को क्या अच्छा लगेगा उसी से उसको दिखाने के लिए हम चॉइस करते हैं। भाव हमारी मन की समझ, भाव भी दूसरों को क्या अच्छा लगेगा ऐसा दिखाने के लिए प्रस्तुत हम होते। स्वयं के लिए हमारी समझ पैदा करते हैं। हाँ, दिखावा करने जाएंगे तो वस्तु का भी दिखावा है, भाव का भी दिखावा है, और जीने जाएंगे तो वस्तु की भी हमको जरूरत है, भाव की भी हमको जरूरत है। मेरा नाम रानी है। बोलो बोलो बोलो। मेरा नाम रानी है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और अब जो मैं बोलती हूँ वो भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था में वो गाणितिक है, उसे हम गिन सकते हैं। तो जो आपने बोला तो ये पता चला कि इसमें नाप तोल है, इसकी नाप तोल है, और ये असीम है। और भौतिक अवस्था में समस्या बढ़ती है या घटती है तो चलता है, भाव में घटती है तो नहीं चलता। भौतिक घटती है तो कहाँ चलता है, खाने को नहीं मिलेगा तो कहाँ चलेगा। बढ़ती है तो भी चलता है, थोड़ी घटती है तो चलता है, वो फिर प्रयत्न करके ले सकते हैं। हाँ, ये आवश्यकता अनुसार है, वो बल भी आया है सीमित है, आवश्यकता अनुसार है। हाँ, भाव और विचार में वो आंतरिक है, भाव आंतरिक है, ये बाह्य है ना। इसी को दूसरे शब्दों में कहा कि ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। और भौतिक भाव और विचार में हमें विश्वास होता है। क्या? स्वयं के प्रति विश्वास होता है। हाँ ठीक है। और जो है वो सब आ गई है इसलिए नहीं बोल। ठीक। मेरा नाम यश है, मैं 11वीं कक्षा में अभ्यास हूँ। भौतिक अवस्थाएं समान समान होती है और भाव समान और वचन। फिर से बोलो। भौतिक समान है और भाव समान और वचन है। भौतिक अवस्थाएं हमें खुद की बनानी पड़ती है और भाव खुद की अनुभूति से बनता है। ठीक। हाँ जी, और कुछ? नमस्ते भैया, मैंने 6-7 पॉइंट लिखे थे। एक पॉइंट जो भौतिक में है, जो रोटी कपड़ा और मकान, जो मकान की हम गिनती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिनती मतलब संख्या कितनी है, गिनती को नापतोल। हाँ, है उसमें नापतोल नहीं है, वो आ गया। हाँ वो आ गया। बोलिए और बोलिए। हेलो सर। हाँ, ये जो जो इंद्रिय जन्य सुख है, भौतिक सुख है, इसके लिए कोई ना कोई हमें ज्ञानेंद्रिय चाहिए, वो इसमें नहीं चाहिए। देखिए, ये एक अच्छा अंतर बता रहे हैं। इसको हमको ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें दूसरों पर निर्भरता है, इसमें निर्भरता है, इसमें पूरकता है। भौतिक जरूरियात है वो मानव को तोड़ती नहीं। भौतिक जरूरत कुर्सी कहाँ तोड़ती है, मेज कहाँ तोड़ती है, हमारी समझ हमको तोड़ती है। समझ ना होने की वजह से हम टूटते हैं। भौतिक वस्तु किसी को नहीं तोड़ती। हाँ, मगर इससे जो छोटा बड़ा बना, इससे नहीं होता है, समझ ना होने से छोटा बड़ा होता है। हाँ जी। भौतिक से सुविधा मिल सकती है और भाव से सम्मान मिलता है। चलिए, इसका नाम सुविधा है, इसका नाम समझ है। भौतिक अवस्था से जिंदा रहना होता है और भाव से जीना होता है। चलो, इससे जिंदा रहना होता है, इससे जीना होता है। भौतिक को हम टच कर पाते हैं,
भौतिक को टच कर पाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म में आगे भौतिक हम जब भौतिक हम देख पाते हैं और उसका चित्र हम खड़ा कर पाते हैं, मगर भाव का चित्र हम खड़ा कर पा रहे नहीं। स्थूल और सूक्ष्म इसको हम इंद्रियों से फील कर सकते हैं, ये इंद्रिय जन्य है और ये अनुभूति जन्य है। भौतिक का एक आकार होता है मगर भाव का कोई आकार नहीं होता, इसका आकार आयतन होता है, ये निराकार होता है। गुड। भौतिक वस्तु ये एटम से बनती है, ये अस्तित्व में उपलब्ध है, ये कुल मिला के एटम मॉलिक्यूल है और ये कुछ और है। सर ये जो फिजिकल है जो भी वो एंटिटी हमको वापिस देना होता है, मतलब यहाँ का यही के यही पे छोड़ के जाना होता है, जो होता सूक्ष्म होता है जो भी मतलब भाव विचार होते हैं वो साथ में लेके चलते हैं, ये यही रहता है, ये यही रहता है, ये साथ जाता है। गुड। भौतिक जो है उसमें क्रिएशन का पोटेंशियल है, भौतिक जो है उसमें क्रिएशन का पोटेंशियल है, भाव में भी क्रिएशन, भाव में क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है, दोनों एक ही। भौतिक जो चीज है जैसे निंद्रा आहार वो क्षणिक सुख तो है ही, लेकिन अगर हमने दो दिन तक नहीं खाया, तीन दिन तक नहीं खाया तो वो क्षणिक सुख हमको वापस लेना ही पड़े, मतलब उसकी समय मर्यादा निश्चित है, जबकि भाव की समय मर्यादा व्यक्ति के अनुरूप अमर्यादित है। हाँ, सारी जिंदगी जिंदा ही रह जाए और एक शरीर यात्रा, दो शरीर यात्रा, दस शरीर यात्रा, भाव के बिना ही गाड़ी चल रही है और पता भी नहीं है कि भाव भी कुछ होता है, ऐसे भी गाड़ी चल सकती है। गुड, अच्छा बताए। भौतिक हम खरीद सकते हैं और भाव स्वतः प्रति विश्वास से होता है। गुड। और भौतिक में अहंकार होता है और भाव में सबन बढ़ता है। क्या भौतिक में अहंकार बढ़ता है? अहंकार वो सब अपनी समस्या। और भौतिक शरीर से जुड़ी है और भाव मन से जुड़ा है। हो गया। भौतिक चीजें को मिटा सकते और भाव को मिटा नहीं सकते, परिवर्तनशील है, शाश्वत। ये भौतिक है वो संवेदनशीलता तक ठीक है, वहां तक सीमित है, और ये जो हमारा भाव है उसमें संज्ञानशीलता की ओर हमें ले जाता है, और भौतिक है इसमें विश्वास। इसको बोलेंगे कि ये संवेदनशीलता वाली चीजें हैं, ये संज्ञानशीलता। और इसमें विश्वास है वो हिलता रहता है और इसमें वो आता ही रहता है। बढ़िया, गुड। और बोलो। भौतिक चीज होती है वो अब स्टॉप कर सकते हैं, भौतिक चीज वस्तु को हम स्टॉक कर सकते हैं, भाव को हम स्टॉक नहीं कर सकते, इसका संग्रह कर सकते हैं, भाव का तो संग्रह परमानेंट हो जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता ना, स्टॉक करते हैं। अरे अपने में दिखता है ना, हमको भी दिखता है, सामने वाले को भी, सामने वाले को भी दिखता है, आपको मेरा भाव दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन उसको हम एक पैरामीटर्स में माप नहीं सकते। हाँ वो ठीक, भौतिक चीज वस्तु को हम पैरामीटर्स में माप, लिख दिया इसमें नाप तोल होता है वो असीम है। मेरा नाम जागसा कोमल कक्षाबार। भौतिक चीजें जो सभी सजीवों को चाहिए और मान जो सिर्फ मानव को चाहिए, और खाना निंद्रा जो भौतिक है सभी जीव को चाहिए। गुड, गुड। भौतिक वस्तु बाजार में मिलती है, जो भाव है वो बाजार में नहीं मिलता। क्या हो गया? भौतिक वस्तु है वो बाजार में मिलती है, बाजार में खरीद सकते हैं, वो आ गया। जो भौतिक वस्तु है वो हमारे मन से इच्छा आधारित है, जो मतलब माँ कोई ले सकता है, हमारे पास ले सकता है,
और जो मन की भाव है वो कोई ले नहीं सकता है। ठीक है, हाँ और कुछ? मान सकते हैं भौतिक वस्तु से निर्जीव वस्तु से निर्जीव वस्तु भौतिक वस्तु से निर्जीव निर्जीव है निर्जीव है और भाव जीवित व्यक्ति से मिलता है व्यक्तियों से मिलता है। बढ़िया। भौतिक वस्तु से नेचर यानी कि पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है, भाव से नहीं होता। भौतिक वस्तु हार्डवेयर है, ये भाव है वो सॉफ्टवेयर है। बढ़िया, ये हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर है। गुड, शानदार। भौतिक चीज इच्छा से आती है और भाव इच्छा से नहीं आता। भौतिक वस्तु भी इच्छा से आती है, भाव भी इच्छा से आता है। यहाँ बैठने की इच्छा नहीं होगी तो नहीं आएगी। भौतिक हमें भौतिक है वो शारीरिक सुख है और जो भाव का सुख है वो आंतरिक सुख है। वो संवेदना है, वो संज्ञानी है। गुड। ऐसा है कि भैया मानव परंपरा में भौतिक वस्तु का परंपरा बन चुका है, बट भाव की परंपरा अभी तक बना नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार। गुड, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।